only daughter and she's now becoming media doctor. So I'm by profession general manager at SBI, Windows Garfield Operation. And now, nowadays I am delivering my... Sir, SBI judges? Yes, sir. SBI judges? Saudi Parli Insurance Company. Oh. Now I am delivering my presentations in Lahore School of Management. Dr. Ali Sajid is a deacon. And being the head of employee excellence, I travel in different cities and we conduct sessions on time management, achieving excellence, tune up your mindset, uske baad the professional etiquette, how to appear in it. और मैं लीव यूनिवर्सिटी में तमाम डिपार्टमेंट्स में सेशन कर चुका हूँ अचीविंग एक्सीलेंस पे, और हरिपुर हज़ारा में चैम्बर में जा चुके हैं, चिनियोट, शेखुपुरा एंड डिफरेंट सिटीज़ वहाँ का. अब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो चिनियोट का बच्चा आपको थोड़ा, या तो आप टाइम निकालेंगे या आपकी मसरूफियत है, बट वी अरेंज ट्रेनिंग सेशंस फॉर देम. नेशनल आउटरीच प्रोग्राम का जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लिंकेजेस बिटवीन अकेडमिया and entrepreneurs, mentoring role, and third, sharing of knowledge. तो इसमें यह है कि इसके अलावा आपने कैसर वास का नाम सुना हुआ है, पॉसिबिलिटी वाला, तो उसने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि ही है सिलेक्टेड 25 persons एज ए कोच एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ देम. अभी रिसेंटली हमने ट्रेनिंग कर ली है एंड नाउ आई एम टूडे सक्सेसफुल प्रोफेशनल कोच ऑल्सो. और पहले 3 महीने हमने वी हैव टू रिजॉल्व करंट इशू ऑफ एनी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, और उसके लिए 3 महीने हमने कोई फीस नहीं लेनी. 3 महीने के बाद एक 2 दिन का सेशन होगा, देन ही अलाउ अस टू विजिट हिज क्लाइंट्स आल्सो जो बड़े बड़े हैं. और फिर जो फीस हम लेंगे उसमें से चैरिटी के लिए 10% हर केस में से हमने देना है. इट इज़ आवर ओथ. यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, इसके अलावा एजुकेशन के लिए, बुक्स देने के लिए, इवन सेल्फ फाइनेंस के लिए फंड्स के लिए. तो दिस वाज माय इंट्रोडक्शन. मेरे ख्याल किसी और से स्टार्ट, इस तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं पहले. काफ़ी छोटा सा वेरियन नंबर, छोटा सा कर रहे हैं कि मेरा नाम उमर जावेद कुरैशी है और आई प्राइमरी वर्क विद अशरफ चौधरी द कॉर्पोरेट सेल्स ट्रेनर, और उसके अलावा मेरे अपने भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आई रिसेंटली क्रिएटेड अ फूड रिलेटेड ग्रुप जिसमें मैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स, कैफेज़ और ढाबाज को ऑन बोर्ड ले रहा हूँ, और ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो के रिव्यूज़ फूड रिलेटेड प्लेसेस के हर शहर के, और आउट ऑफ पाकिस्तान भी हम एक्सेस करेंगे इसको, और इसके भी कुछ परसेंट हम चैरिटी की तरफ जाने का हमारा प्लान है, लेकिन नॉट राइट नाउ, बट आहिस्ता आगे. That's it for me now. तो रिव्यूज करते हैं, उनको अपग्रेड भी करते हैं? हम रिव्यूज भी करते हैं, उनको फीडबैक भी देते हैं कि कैसे वो अपग्रेड करेंगे इसको, और अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया, वी आर जस्ट गैदरिंग ऑडियंस एंड वेबसाइट इसकी? वेबसाइट नहीं, फेसबुक के ऊपर हम ग्रुप फूडीज फैमिली, वी प्लान टू गैदर फैमिली ओरिएंटेड, हम माहौल देना चाह रहे हैं वहाँ पे. वी हैव डिफरेंट वेज. सर क्यों रात की बात नहीं, बात करते हैं. और सर शाह साहब क्या हाल जी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा तज़ारा है और मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, अभी बिल्कुल स्टार्ट है उसका, और उसका मकसद ये है कि हाँ जी एजुकेशन. आई एम सैफ खान और मैं लियो से हूँ बेसिकली, और राइट नाउ मैं जॉब कर रहा हूँ UMD में, और फर्दर जो है अभी मैं PhD उसमें वहाँ पे जो है ना एज अ प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भी जॉब कर रहा हूँ, स्टूडेंट एडवाइजर भी UMD में स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में, और आगे फर्दर जो है मैं इंशाल्लाह 24 को मैं मलेशिया जा रहा हूँ PhD के लिए इन जेंडर स्टडीज़. सो ये मेरा छोटा सा तारीफ है. पीछे सर, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसान इलाही है और मैं राइस ट्रेडर्स का बिजनेस करता हूँ,
دو رائس ملز ہیں اور آن لائن بھی چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ چلا رہا ہوں, جن میں ایک ہے solmart.pk جس میں الیکٹرانکس اور اس ٹائپ کی چیزیں, موبائل ہو گیا اور یہ چیزیں سیل کرتا ہوں. اور انشاءاللہ جنوری میں میرا ایک بہت بڑا جو ہے, مطلب میرا ایم بھی ہے اور ایک بہت زبردست قسم کا جو ہے نا وہ لیڈیز ٹریڈیشنل شوز جو ہے ان کے لیے میں ایک برانڈ لانچ کرنے جا رہا ہوں gurgavi.pk کے نام سے. یہی میرا تعارف ہے. یہ دوست ہیں میرے بلال بھائی, ان کی بھی رائس مل ہے اور یہ رائس کا کام کرتے ہیں. اچھا, ویسے تھوڑا سا جو ہے نا لنک اپ نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ, تو ایسا ایسا میں لے کے آیا ہوں کہ چلو ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ہے نا وہ کنیکٹ نہیں ہے نا فیس بک پہ لوگوں کے ساتھ, زیادہ فرینڈس کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. آج لے کے آیا ہوں تاکہ چاول کا برانڈ نہیں ہے, جسٹ وہ مطلب ویب سائٹ کا جو ایکسپورٹرز کو جو ہے نا ہم را مٹیریل بناتے ہیں ان کو, نہیں ابھی نہیں ہے, وہ ایکسپورٹرز کو سیل کرتے ہیں, آگے وہی فردر جو ہے پالش وغیرہ کرتے ہیں. نہیں پالش ہم جو ہے پیڈی جو ہوتی ہے, موجی جو ہوتی ہے وہ بائی کرتے ہیں, اس کو پھر کنورٹ کرتے ہیں رائس میں, ٹھیک ہے, اس میں پھر اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے فردر پروسیس ہے, وہ ایکسپورٹر لے لیتے ہیں رائس ایکسپورٹ پروسیس نہیں الگ ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس کو کچھ اور کرتے ہیں, اس کو بعد پھر وہ پیکیجنگ کرتے ہیں, کچھ اور بھی مطلب لٹل بٹی ہوتا ہے, زیادہ نہیں ہوتا, وہ آپ کے نہیں کرتے ہم, میں بھی جو ہے کیونکہ مجھے ہو گئے 7 سال ہو گئے بزنس میں, پہلے ابو جان کرتے رہے تو کافی زیادہ جو ہے نا, میں نے آپ کو انوائٹ کیا تھا لیکن آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم کی قلت تھی. انشاءاللہ انشاءاللہ کبھی ہوا ٹائم تو آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے کیا جو ہے ڈیولپمنٹ کی ہے. اور آپ سے فرینڈ شپ کی وجہ سے مطلب میں نے جو ہے وہ بہت کچھ لرن کیا ہے, بہت کچھ لرن کیا ہے. میں ایک ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں ادھر ہوں اور یہاں بول رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ میں کس ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں تو یہ ویلکم ودیا ویلکم, آپ حیران ہوں گے تو اسے بھی لے. اچھا دیکھیں وہ سوال رہ گیا جواب کہ وہ آپ جو اگلا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں وہ کر رہے ہیں, ابھی پروسیس میں ہے نا, مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مشینری تھی وہ ابو جان نے 10 سال پہلے لگائی تھی, ٹھیک ہے نا, اب ہم فردر جو ہے کیونکہ پیسہ لگتا ہے نا اس پہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اب اس سال تقریباً میں نے بہت زیادہ پیسہ لگایا, ٹھیک ہے, آگے فردر اس چیز کو مطلب کہ میں ایکسپورٹ لیول پہ پہنچوں نا, اس کو اپنا ایک برانڈ بناؤں, تو یہ ہے کہ وہ کام بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے سے مطلب آپ سے کنیکٹ ہونے سے پہلے میں انٹرپرینورشپ کو نہیں جانتا تھا, جب آپ سے کنیکٹ, میں میٹرک پاس ہوں, ٹھیک ہے, میں میٹرک پاس ہوں, تو یہ ہے کہ آپ سے کنیکٹ ہونے کے بعد میں نے بہت کچھ لرن کیا ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ میں نے اسٹارٹ کیے جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں شروع سوچ سکتا تھا. ایک چاول ریلیٹڈ سوال ہے کیونکہ میں تو سیکھنا آتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو موڑی ہوتی ہے, موڑی ہوتی ہے چاول کو پھلا کے کچھ پف کر دیتے ہیں اس کو, تو وہ بلکہ ہم آ رہے تھے ابھی کراچی سے رستے میں, تو اس نے مجھے بسکٹس بھی دیے تھے اس کے بنے ہوئے مجھے, لیکن اس کا ٹیکنیکل نیم پنجابی میں یا اردو میں نہیں آتا. ان کے اس میں بھی رہا ہوں, پیڈی جو ہوتی ہے نا وہ اس کے بعد جو آم ملے ہیں اس کو کہتے ہیں رائس ہسکنگ یونٹس, اس کے بعد رائس پروسیسنگ یونٹس جو ہیں, تو فار ایکسپورٹ کے لیے وہ ان کے پاس لیٹسٹ مشینری ہوتی ہے, لیٹسٹ ڈرائر ہوتے ہیں, یہ تو کھیتوں کے اندر اس کو سکھاتے ہیں منجی کو, ہم ہسکر ہیں, ہسکر ہیں, ہسکنگ وہ پروسیس میں اس کو پالشنگ کرنا, ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق اسپیسیفکیشن دینا, تو وہ یہ 3 قسم کے سیگمنٹس آ جاتے ہیں. ایک اور چیز ہوتی ہے جو چاول کو پھلاتے ہیں وہ سیلا جو بناتے ہیں نا, سیلا ایکچولی چاول کو بوائل کر کے وہ سیلا کرتے ہیں, جیسے ہم نے ابھی بنانا ہوتا ہے نا بہت اچھا سا متنجن, تو وہ سیلے کا بنتا ہے, سیلا زیادہ یہ پشاور کی طرف جاتا ہے, اور اس طریقے سے سیلا بھی ہم بناتے ہیں, مطلب چاول کی پھر چاول کو بنانے کے مختلف طریقے ہیں, کوئی اسٹیم ہوتا ہے, ٹھیک ہے,
ایک ہوتا ہے وائٹ رائس، ایک ہوتا ہے سیلا رائس، مطلب زیادہ پٹھان لوگ ہوتے ہیں، براؤن رائس بھی ہوٹلز میں زیادہ تر جو ہے وہ کائنات اسے بولتے ہیں، کائنات 11 21، تو وہی زیادہ تر جو ہے نا وہ چلتا ہے، تو پھر اس کو ہی فردر جو ہے وہ مختلف جس جس نے جو جو تصویر دکھاؤں گا، میں سمجھا نہیں پا رہا، شاید ہم اس کو ہاف بوائل کر کے پھر ڈرائی کر لیتے ہیں، ڈرائی کر کے اس کے بعد ہسک کرتے ہیں۔ چلے میں آپ کو تصویر دکھاؤں گا، میں سمجھا نہیں پا رہا۔ اور میں بیسیکلی لاہور سے بلانگ کرتا ہوں اور اسٹوڈنٹ ہوں پنجاب یونیورسٹی میں ماسٹرس کا، اس کے علاوہ میں ہسٹری میں ماسٹرس کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں، پارٹ ٹائم کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ میرے فادر جو ان سے ہیں وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ جی قصور میں مل رہا ہے اور انارکلی میں دکانیں ہیں ہماری۔ میری 65 ملین کی تھی، ان کا ہو گیا سر، دوبارہ کر لیں۔ میں سر ہارون حبیب میرا نام ہے، ٹھیک ہے، آواز دوبارہ اٹھائیے، ہارون حبیب میرا نام ہے اور انٹرنل آڈٹ میری فیلڈ ہے، اور آئی بین ورکنگ ان پبلک سیکٹر سنس لاسٹ 25 ایئرس، مور دین 25 ایئرس۔ اور کوئی سوشل ایکٹیویٹیز؟ کوئی ہاں بس سوشل ایکٹیویٹی، فیس بک اینڈ لڑائی پٹے رہے ہیں کیا؟ انٹروڈکشن کرا دیں آپ۔ میرا نام حافظ، میرا نام حافظ احمد ہے اور میرا ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، لاہور سے میں بلانگ کرتا ہوں، بیسیکلی اکاڑا گاؤں میں، اور ان شاء اللہ ہم کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں اور سیلنگ اینڈ بائنگ میں میری ایکسپرٹیز ہے۔ ہم 3 سے 5 مرلہ کے گھر ابھی فی الحال بنا رہے ہیں۔ جی گھر میں السلام علیکم، میرا نام سید قربان علی اور میں سر کے ساتھ ہوتا ہوں اور مختلف جگہوں پہ مطلب یہ لیکچر اٹینڈ کرتا ہوں، بیسیکلی میں ان کا ڈرائیور ہوں، تو مجھے ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے آنا۔ یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ پڑھا لکھا ہوں، لیکن میں آتا ہوں اور لیکچر سنتا بھی ہوں اور بہت خوشی۔ کتنا لیکچر سنا ہے میں نے؟ تقریباً کوئی 80 کے قریب قریب سن لی ہے، اور سر کے بھی اور مختلف جو سر کا نام بھی بتا دیں، سر سید تکیشہ ہیں اور کافی جگہوں پہ ان کے اپنے لیکچر سنتا ہوں، ان کے پاس بیٹھتا بھی ہوں، کافی کچھ لرن کیا ان کی وجہ سے، اللہ کا شکر ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سر، میرا نام محمد یاسین ہے، میں رکشا ڈرائیور ہوں۔ رکشا ڈرائیور ہیں؟ ہاں، فاطمہ کے ساتھ ہیں؟ جی سر۔ اچھا، فاطمہ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ویورز اینڈ فیلوز، میرا نام سباحت علی ہے اور میں اکاڑا سے، میرا نام سباحت علی ہے اور میں اکاڑا سے بلانگ کرتا ہوں، اور ادھر سی ٹی وی کے ساتھ میں ایز اے آئی ٹی ٹیکنیشین کام کر رہا ہوں، اور یہ ترکش بیسڈ چینل ہے، اور وہ ترکش کانٹینٹ کو ہم اردو میں ڈب کر کے یہاں پہ پاکستان میں آن ایئر کر رہے ہیں، آن ایئر کر کے چلا رہے ہیں، کافی بہتر رسپانس ملا ہے اور کافی اچھا جا رہا ہے۔ سی ٹی وی نے ایک سال پہلے یہ لانچ ہوا ہے، اور اس نے کافی بہتر یعنی کہ نام کمایا اپنا، اور بڑی جلدی باقی چینلوں کے برابر آگے کھڑا ہو گیا ہے، کافی بہتر جا رہا ہے۔ یہاں کے ڈرامے لے کے جائیں گے ترکی یا نہیں؟ نہیں، ہم یہاں کے ڈرامے لے کے ترکی نہیں جا رہے، بیسیکلی ہم یہاں کے ڈرامے جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے اس کو ہم لندن میں لے کے جا رہے ہیں۔ لندن میں ہمارا ایک اسٹوڈیو ہے، وہ کافی دیر پہلے سے کام کر رہا ہے، تو وہ وہاں سے آن ایئر کرے گا یہاں پاکستانی کانٹینٹ کو۔ اردو میں کرے گا، ترکش میں؟ اردو میں یہاں پہ آلریڈی ہے، لیکن اس کو ہم انگلش میں کر رہے ہیں۔ اب ہاں جی، ریسنٹلی ہم نے ایک ہفتہ پہلے یہ اس پہ کام شروع کیا، اور نئی ہائرنگ کی ہے، اور وہ نا لڑکے جو ہیں، لڑکیاں وہ کافی بڑی ٹیم ان کی ہائر کی ہے، وہ اس کو انگلش میں نا ڈب ہوگا یا اوپر سب ٹائٹل آئے گا؟ فی الحال تو وہ سب ٹائٹلنگ پہ کام کر رہے ہیں، ان شاء اللہ نیکسٹ ان کا یہی ہے پروگرام کہ ہم اس کو نا انگلش میں ہی پراپر ڈب کریں، کیونکہ ادھر ڈب اسٹوڈیو بھی ہیں 6-7، تو پوری ٹیم ہے باقاعدہ، تو وہ اسی طرح ان کی ٹرائی اچھی ہے۔
मेहनत कर रहे हैं इस पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ख्वाजा सीब है और मैं बीएस आर्किटेक्चर कर रहा हूँ कॉमसर्स लाहौर से। बेसिकली ताल्लुक मेरा रहीमिया खान से है और इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी राइटर हूँ, नरेशन करता हूँ। तो बस किस तरह की कहानियाँ लिखते हैं? कहानियाँ जो मुझसे ज़्यादा लिंक्ड होती हैं उनसे, मतलब फैमिली के टॉपिक के ऊपर या इस तरह के जो कॉमेडी थ्रिलर और कॉमेडी और सीरियस मिक्स करके थोड़ा कुछ होता है इस तरह करके। कितनी कहानियाँ लिखी हैं? मैंने तकरीबन कोई 20 से 22 कहानियाँ लिखी हैं। पब्लिश पब्लिश मेरा प्लान है, मैं इस साल इंशाल्लाह उस पर काम कर रहा हूँ। मैं अपनी नरेशंस को यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ खुद ही, तो उसके ऊपर काम चल रहा है इंशाल्लाह। उनको एनिमेट करेंगे या ड्रामा करेंगे या क्या? नहीं नहीं, उनको नरेट करूँगा मैं, खुद ही पढ़ूंगा मैं, पब्लिश नहीं करूँगा, लिख के पब्लिशिंग करूँगा लेकिन वो यूट्यूब चैनल के थ्रू नरेट करके। उससे ब्लॉग्स कुछ की थी लेकिन उसके बाद नहीं की, अब मैं इंशाल्लाह प्रॉपर उसको करने लगा। तो आप कोई भी अगर यहाँ पे कोई भी कुछ आदमी लिखता हो या इनफैक्ट जैसे सर हैं तकी साहब लेक्चर देते हैं तो टाइप करा के आप amazon.com पे नीचे पब्लिश का बटन है, आप उसके ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट फाइल अपलोड करें, वो किताब की शक्ल की बन जाएगी, एक घंटे के बाद किताब अवेलेबल फॉर सेल होगी। और एक किताब भी आप मंगा सकते, ये नहीं है कि नरेशन ही पब्लिश वर्जन। अगर आपके पास अगर आप फॉर एग्जाम्पल लेक्चर हैं तकी साहब, तो यू कैन पब्लिश a DVD on Amazon and you can ship it off for $10, $25, whatever price you want. तो आपके lectures लोग online order कर सकते हैं from anywhere, एक भी order कर सकते हैं। तो जैसे किताब का है ना कि आपको होता है 1000 छापनी पड़ेगी, यहाँ पर आप एक किताब भी पब्लिश कर सकते हैं $3 की बनती है। अच्छा, और आपको वो यहाँ पर ship भी कर देंगे। तो if anybody writes या blogs या speaks, have it typed. So you become a, sir, for example, मैं माँ books, पति book मिली किसी को जी। So अब book जो है ये मेरा एक lecture था, मैंने इसको सिर्फ type कराया, Amazon पर publish कराया, फिर पाकिस्तान मंगाया, फिर यहाँ republisher को कहा यार इसको reprint कर दो, किताब print हो गई, वहाँ पर $7 की थी, यहाँ $2500 की होती। So you can convert. So what will happen is कि हमारा content नहीं है, जैसे हम तुर्की से content खरीद रहे हैं, ड्रामे ले रहे हैं, वहाँ पर content नहीं है उस quality का। तो अगर हम content create नहीं करेंगे तो हम कंटेंट कंज्यूमर बन जाएंगे। अगर हम कंटेंट कंज्यूमर सोसाइटी बन जाएंगे, पब्लिशर नहीं बनेंगे, तो हमारी जो हम ये देखें कपड़े क्या पहने हैं, हम अगर हमारे कपड़े अगर कंफर्टेबल होते या 400 साल पहले हमारे जो बड़े थे वो हमारा कंटेंट पब्लिश कर देते तो आज हम अरबी बोलते अंग्रेज़ी नहीं बोलते। क्योंकि हमारा कंटेंट पब्लिश नहीं हुआ तो कंटेंट जिसने भी क्रिएट करा हमने वो कंज्यूम करा, हम समझते यही सही, बिकॉज हूएवर पब्लिशेस इज़ द अथॉरिटी। So if you become an authority on your subject, if you even have a booklet, तो आपका जो नीचे हो जाएगा you become an author. So you go and you say, जी this is my book, this is my introduction. So most people here don't have a book, but you can already have a book. How do you make a book? Anything you know. For example, you know how to write. ठीक, दो बच्चे बिठा लें, दो एक कैमरा लगा दें और उनको सिखाएं कि नरेशन किस तरह करते, दो तीन घंटे निकल जाएंगे सिखाने में, वो पूरे को टाइप कराएं, पब्लिश कर दें, किताब बन गई। एंड नाउ व्हाट आर यू, यू आर एन अथॉरिटी ऑन दैट सब्जेक्ट ऑफ नरेशन इंस्टेंटली। सो देन ऑल ऑफ अ सडन यू गेट टॉक्स, लाइक यू गेट इनवाइटेड फॉर अ टेड टॉक और फॉर अ लेक्चर और व्हाटएवर, यू नो। डिग्री क्यों लेते हैं? एक कागज, एक सेपरेटर होता है बिटवीन अ रेगुलर पर्सन एंड अ यू नो डिग्री होल्डर पर्सन, राइट? ये सर्टिफिकेट है, आपने कुछ अचीव किया है, सो दैट बुक बिकम्स योर अचीवमेंट फॉर समथिंग, एनी थिंग, कुड बी एनी थिंग। सो फॉर एग्जाम्पल लोग पी एच डी के पेपर लिख देते हैं लेकिन कभी मैं मांगता हूँ हर एक से मांग, जो कहते हैं पी एच डी के, मैं कहता हूँ किसी ने क्या कागज़ पढ़ सकता, हाँ मैं आपको पी डी एफ भेज दूँगा। भाई ऑर्डर क्यों नहीं कर सकता मैं अमेजोन पर? मेरा एक दोस्त है उस काम कर रहा है तो मैं चाहता हूँ कि उसको वो किताब भेज दूँ, आई कॉन्ट ऑर्डर राइट नाउ, वाई नॉट? आई मीन सो वी शुड थिंक अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट विच इज़ पब्लिशेबल। एंड फॉर एग्जाम्पल यू बिकम इवन ए उर्दू राइटर, you can have a translate if the story is good. Harry Potter kitne zamanon mein aayi hogi, so if it's good content it should go. Why are we focused just on
our own little niche. So think and take advantage of the platforms that are available. So sorry, main thoda sa sideline ek baat kar dunga. It's very valued issue. It's very important. I'm Farooq Ashraq. हम बुक सेलिंग करते हैं होलसेल लेवल के ऊपर कभी कभार एग्जीबिशंस लगाते हैं लाइक इस्लामाबाद बुक फेयर्स अदर वंस और इसके अलावा सीएमटी पर कभी चीजें वी गेट थिंग्स टू एक्सपोर्ट समटाइम्स लाइक टॉवल्स एंड टी शर्ट्स सीएमटी इज अ वे ऑफ मैन्युफैक्चर कोई और है वी आर द गो बिटवीन इन डेंटा मिडल ईस्ट में अगर वो एक्सपोर्ट हो रहा है तो वी पिक द ऑर्डर फ्रॉम हेयर और वहाँ पर चूँकि स्टेशन है कुछ लोग हमारे वहाँ उसको source kar dete hain and other than that main I campaign very actively for a tolerant Pakistan aur borders par hamare jo regional neighbors hain I want should be a more open society open in the sense ki jung na ho aur sawal karne par pabandi na ho sawal kisi bhi noiyat pe ho sakta hai that's just one good thing aur mere facebook pe ek status lagta hai har mahine ke ji I would like to know 10 tolerant people तो मुझसे वो सवाल करता है आप टॉलरेंट बंदे क्यों ढूंढ रहे हैं मैंने कहा क्या मतलब टॉलरेंट से ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ होती है बंदा टॉलरेंट होना चाहिए आप कैसा सवाल कर रहे हैं मैं कहा टॉलरेंट क्यों कह रहे हैं आप इसका मतलब है कि आप बर्दाश्त कर रहे हैं उसको वो एक दिन फट पड़े आप ऐसे बंदे क्यों नहीं रहते वो आपको एक्सेप्ट करें जैसे भी आप हैं सो द वर्ड टॉलरेंट मीन्स बर्दाश्त करना है वेयर एज व्हाट वी शुड बिकम इज He is what he is. We should accept him as he is, rather than making him into somebody which was. ठीक है मैं बर्दाश्त करूँगा ना like. नहीं नहीं शायद डिक्टम की गलती है. हाँ. लेकिन this is exactly what. This is how. I wanted to add here where not to impose, but I learned something that day कि वो इंडियन था और हम उसी को बर्दाश्त जैसे आप कह रहे हैं कि इंडियंस के लिए बात करें तो I would like to add here कि think of using the word. A more accepting society as we are instead of a tolerant society. हम tolerance का word बहुत ज़्यादा use करते हैं society. I, including me, was doing the same thing, and I learned some things. So I just wanted to share sure. at this point. Thank you for doing that. ये कह रहे हैं कि आपके लिए clap होनी चाहिए तो thank you. Thank you. What would you like to happen? अगर आप prime minister होते तो आप क्या करते? Well, one thing for sure, पाबंदी नहीं है किसी सवाल को करने पे. Because people have questions that remain unanswered. Unanswered questions over the years become problems. And sometimes they become reasons for war. And that's where we are living in moment. The moment in time jahan hum aaj hai. Not just in Pakistan, bahir. Malaysia has the same problem. Unka kuch aur hai. Lekin jangein baasega nahi hoti aur baasega ho jaati. Uski wajah ye hai ki yaar, sawal puchne ki jo salahiyat hai, wo kahin bahut logon mein hai, karne nahi diye jaate. Salahiyat hai yaar. इजाजत है जहाँ पर सवाल करने की इजाजत उस तरह से नहीं है फॉर एग्जाम्पल ये कोई शख्स अगर आज आके यहाँ कहे कि ये किंगडम होनी चाहिए तो एक झगड़ा खड़ा हो जाएगा दूसरी तरफ कोई कह तो सकता है ना हर सिटीजन को राइट है चाहे वो एक बंदा है रिलीजन पे सवाल नहीं कर सकते रिलीजियस क्वेश्चंस नहीं कर सकते कर तो सकते हैं लेकिन ये कि जैसे आपने कहा कि इजाजत नहीं है कौन नहीं किसने मना किया बाय लॉ इजाजत नहीं है या बाय कल्चर इजाजत सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती क्या सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती देयर आर सर्टेन लॉज दैट लॉज मस्ट बी अबाइडेड बट ये है कि सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है जहां लॉ इजाजत देता है क्योंकि बाजेगा लॉ बहुत इजाजत दे रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर आप क्या करेंगे वेल आई विल गो फॉर अ सेक्युलर पाकिस्तान वो ठीक है बट हाउ वुड यू आस्क अ रिलीजियस जेंटलमैन लाइक हिम के जी आप सेकुलर पाकिस्तान बना रहे वो तो नहीं इनका राइट है कि ये रिलीजियस पाकिस्तान के लिए कैंपेन करें आज ये मेजॉरिटी में है ये रहते हैं यहाँ पर एज ए रिपब्लिक विद मुस्लिम कंट्री लेकिन अगर ये क्वेश्चन बात करने ही ना दी जाए तो वहाँ ज्यादती है ना मेरे ख्याल में तो इजाजत है पाकिस्तान में मैं आई एट जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने ये कूफा में ऐलान किया कि सलोनी सलोनी कबल अम तफ़क़िदूनी मुझसे पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो तो वहाँ से मिस्र का एक आलम आया हुआ था वो खड़ा हो गया उसने कहा हज़रत अली से कि आपने बहुत बड़ा दावा कर दिया है मैं आपसे ऐसा सवाल करूँगा कि आपको लाजवाब कर दूँगा तो हज़रत अली ने फरमाया कि सवाल
سیکھنے کے لیے کرنا, امتحان لینے کے لیے نہ کرنا. لیکن تم جو چاہو پوچھنا چاہو پوچھو, میں اس کا جواب دوں گا. دیکھیں سوال کا مقصد یہ ہے, سوال ایک ایسا بہترین لرن کرنے کا طریقہ ہے لاجیکلی, کہ آپ سوال اس انداز سے کریں سیکھنے کے لیے. اب جہاں اعتراض پیدا ہوتا ہے سوال کے انداز کا اور آپ کی اس انٹینشن کا کہ سوال کر کے اگلے کی پگڑی اچھالنا چاہ رہے ہیں یا اپنا علم میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا ہمیں رویوں پہ, بات صرف اتنی ہے ٹالرنس کی اور رویے کی. تو ٹالرنس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے آخری نبی بھیجا, ٹالرنس کتنی کہ پتھر مارے جا رہے ہیں, لولوہان کیا جا رہا ہے, پیٹھ کے اوپر جانوروں کی وہ کھالیں رکھی جا رہی ہیں. لیکن جب اس مکہ فتح ہو گیا تو ٹالرنس کی مثال کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو معافی ہے, اور جو یہ کہہ دے کہ میں ابو سفیان. ٹالرنس دیکھیں بات صرف یہی ہے کہ ایک عزت نفس اپنی بھی انسان اپنی محفوظ رکھے اور عزت نفس دوسرے کی بھی محفوظ. میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا. حضرت لقمان نہ نبی تھے نہ پیغمبر تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ لقمان حضرت لقمان کے نام سے جاری کی ہے. حضرت لقمان نے 400 نبیوں کی صحبت میں وقت گزارا ہے. افریقہ کے حبشی تھے, چھوٹا قد تھا, بھدا پورا جسم تھا, لیکن ساری زندگی وہ آقا نہیں رہے غلام رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی. اللہ کے جو 99 اسماء گرامی ہیں, اللہ صرف علیم ہے, اللہ عالم بھی ہے اور علیم ہے. علیم اسے کہتے ہیں جو ساری کائنات کو علم تقسیم کرے, علم عطا کرے, لیکن اس سے کسی سے علم حاصل نہ کیا. حکمت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی, ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ حضرت لقمان کا ایک آقا تھا, اس نے کہا کہ لقمان ایسے کرو کہ بکرا ذبح کرو اور بکرے کی جو دو بہترین چیزیں ہیں وہ میرے لیے پکا کے لے آؤ. تو جناب لقمان نے زبان اور دل نکال کے پکا کے اور آقا کے سامنے رکھ دیا. ہفتے کے بعد پھر اس نے کہا کہ ایسے کرو دوبارہ بکرا ذبح کرو آج, اور اس کی جو بدترین دو چیزیں ہیں وہ پکا کے میرے لیے لے آؤ. تو پھر جناب لقمان نے زبان اور دل پکا کے ان کے سامنے رکھ دیا. تو آقا نے کہا کہ کیا حکمت ہے؟ تو حضرت لقمان نے کہا کہ آقا حکمت یہ ہے کہ اگر یہ دل اور زبان پاک ہو تو بہترین چیزیں ہیں, اور اگر دل اور زبان ناپاک ہو تو یہ بدترین چیزیں ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ سوال اگر اصلاح کے لیے, اگر رہنمائی کے لیے, غلط فہمی دور کرنے کے لیے, اپنے علم کو بڑھانے کے لیے, لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے, ٹھیک ہے, تو وہ سوال تجویز بھی بن جاتا ہے, مشورہ بھی بن جاتا ہے, رہنمائی بھی بن جاتی ہے. ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں. تھینک یو ایوری ون فار کمنگ. میرا نام ریحان ہے. جو میرے خیال میں زیادہ تر وہ شکلیں نظر آ رہی ہیں جس میں پہلے ملا نہیں. بالکل بہت سی بات ہے, آپ تعارف کرائیے گا. تو بس ویلکم ایوری ون, اینڈ باقی آتے جائیں گے بیٹھتے جائیں گے. اور مقصد آج کا یہ ہے کہ ہم ایک کچھ نئے دوست بنا کے اٹھے ہیں اور کچھ نئی باتیں سیکھیں اور ایک دوسرے کو امپاور کریں. That's my purpose of doing this on video and doing this in person. جیسا کہ نیشنل آؤٹریچ جو کہتے ہیں, میری گزارش ہوتی ہے اور سب نے لکھا بھی تھا کہ آپ اپنے موبائلس کو چارج کر کے لائے ہوں گے, تو میرا خیال ہے کہ جہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 50% نے فیس بک لائیو نہیں کیا ہوگا ابھی تک. تو آپ ذرا بسم اللہ کر کے اللہ اکبر کر کے نکال کے ایک فیس بک لائیو اپنی 2-3 منٹ کی کر دیں. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ چھوٹے سے گاؤں کے ہوں, بڑے سے گاؤں کے ہوں, ہمارا جو تعلق ہو گیا ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہوا ہے. فیس بک ایسی چیز ہے جہاں کوئی رستے کی بڑھ سر آپ خود کر رہے ہیں سر, تو اسی لیے تو آپ تو وہ اپنے فون سے کر لیں گے. اچھا وہ کرتے وہ کر دیں گے آپ. تو ہماری جو بات ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جی پہاڑ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والا ہمارا ملک ہو گیا. ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے بارے میں اس قسم کی خرافات بولی جاتی ہیں کہ ہمیں خود پتہ نہیں چلتا اچھا یہ واقعی ہمارے بارے میں.
میں کراچی سے آیا ہوں تو اس دن ایک پولیس والے کے بعد یار ذرا آرام سے پھٹ نہ جائیں آپ, تو وہ مطلب عجیب تاثر ہم نے کریٹ کر دیا ہے اور ہم نے ڈسٹنسز بہت زیادہ کریٹ ہو گئے ہیں, اور جب سوسائٹی بڑی ہوتی ہے تو ڈسٹنسز آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے, کوئی اس میں قصور نہیں ہے کسی بھی چیز کا. تو اب اتفاق ہے کہ ہم 200 million لوگ ہیں, ہم آدھے ملین کے ملک نہیں ہیں, تو ہمارے پاس ہمارے پاس وہ ڈفرینٹ پروونسز ہیں, ڈفرینٹ لینگویج اسپیکرز ہیں, ہمیں کنیکٹ ہو کے ایک قوم بننا پڑے گا, اور یہ ایک بہترین ٹول ہے قوم بننے کے لیے, جس کے اندر کوئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی نا, کہ سب کو لائن سے کھڑا کر دیا تھا کہ بھائی تم آقا ہو یا غلام ہو سب لائن سے آ جاؤ, بالکل اسی طرح چاہے آپ زکربرگ ہوں, چاہے آپ اوباما ہوں, چاہے آپ ریحان ہوں, چاہے آپ نواز شریف ہوں, ڈزنٹ میٹر, سب کے پاس سیم پاور آ گئی ہے. اب اس پاور کو ہم استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہمارا قصور ہے, اور اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کو کفران نعمت کا میں تو باقاعدہ ورڈ یوز کرتا ہوں, کیونکہ یہ نعمت ہے ہمارے لیے کہ آج ہمارے ملک میں انٹرنیٹ سستا ہے, موبائل فون سستا ہے, اویلیبل ہے. کیا ہوتا اگر بل بلاک کر دیتا؟ ابھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ انکل ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بند کر دیں گے, فیس بک بھی بند کر دیں گے, انٹرنیٹ بھی بند کر دیں گے, پھر کیا کریں گے؟ کین یو امیجن کہ ا کائنڈ آف پلانٹ وی لیو آن رائٹ ناؤ اینڈ وداؤٹ انٹرنیٹ ہاؤ وڈ وی لیو؟ آل آف اے سڈن وی ول بی 40 years ایکچولی ڈبل پرابلم ہوگا. جیسے بجلی نہیں ہوتی تھی تو صحیح تھا, اب بجلی آ گئی ہے تو بجلی نہیں ہوتی تو رونا پیٹتے ہیں. بجلی نہیں, 100 years پہلے بجلی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی, کوئی میں نے تو نہیں سنا دادا جی کہتے ہمارے یہاں بجلی نہیں آتی, بھائی بجلی ہوتی ہی نہیں تھی, تو اب ہر وقت روتے رہتے ہیں بجلی نہیں ہے کیونکہ عادت خراب ہو گئی. تو اب اس عادت کو کس طرح سے ہم سنبھالیں گے کہ اگر نہ ہو تو پلیز آج ہے, ٹیکنالوجی ہے, استعمال کریں, اپنے آپ کو امپاور کریں, اپنے آپ کو طاقت دیں. آپ میں اور امریکہ کے سٹیزن میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہا ہے ٹیکنالوجیکلی, آپ زیادہ امپاورڈ ہیں, آپ کے چاروں طرف آپ کو 25,000 میں آدمی مل جاتا ہے, امریکہ میں نہیں ملتا. تو آپ آرام سے اپنے آپ کو امپاور کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن اپنی خودی پہ کام کرنا ہوگا, اور اپنی خودی پہ جب کام کریں گے, اپنے آپ کو زبردست سمجھیں گے, تو پھر آپ واقعی زبردست ہیں, لیکن ہم نے سمجھا نہیں اپنے آپ کو زبردست. تو دیٹس آل دا پرپز آف مائی work is just to connect people so that ye itne sare tinke hai na ikatthe hoke jhadu banegi to safai achhi ho jayegi. So that's all I'm trying to do here, and it has empowered a lot of people. I see mujhe isse zyada acha koi kaam aata nahi hai aur samajh bhi nahi aa raha, isliye main ye kar raha hu. Bahut sare log kehte hain yaar aap ye kyun nahi karte, wo kyun nahi karte. Main samajhta hu ki main ye acha karta hu aur main itne arse se kar raha hu, and I enjoy it really. So I would love to keep on doing this. I'm heading toward Gujranwala, Sialkot, Peshawar, Bunir next, doing the same thing. Koi aap logon mein se sunne walon mein se bhi koi invite karna chahe to I'll be happy. But again meri guzarish hai sunne walon se bhi, aap logon se bhi, ki please abhi 2-3 minute ka hi Facebook live kare, rozana kuch chutkula sunaye, kuch chhota bachcha dikhaye. Be human being that we are. جو آپ کے ڈرائنگ روم کے اندر ڈسکشن ہوتے ہیں نا, اگر وہ ہم آن لائن کرنا شروع کر دیں تو یہ جو ٹی وی پہ خرافات ہوتی ہیں خود بخود ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ان کو کچھ سننے کا ہی نہیں. اگر بتیا روز 8 PM آن لائن آ جائے کرے آدھا گھنٹے کہانی سنانے کے لیے, تو آپ نے بیٹ کر دیا ٹی وی چینل کو, رائٹ, یو آر پلنگ اوے 500-600 people اوے فرام دیم. اور اس کمرے میں 50 اگر لوگ ہیں, یہ 50 لوگ سارے آن لائن آ کے اچھی اچھی باتیں کرنا شروع کر, جو ہمیں آتا ہے جو آتا ہے وہ سکھا دیں, تو چینج آئے گا نہیں آئے گا. This is right now can create 500,000 people impact in this room, from this room. 500,000 to khali mere apne live Facebook pe. So we can easily take advantage of the technology, but if we don't, phir hum kusurwar dusre ko kahe to ye zyadti wali baat. So this is the purpose. Jo tarufat reh gaye the Adil bhai sir, agar aap مائی سیلف مقبول حسین فرام لیا اینڈ آئی ایم لیونگ لاہور الحمد للہ ڈیڈ اے سی سی اینڈ اکاؤنٹس اینڈ فائنانس مینیجر ایٹ ٹریفک سر اکاؤنٹس اینڈ فائنانس مینیجر ہوں رافی کمیونیکیشن لاہور, اور اس کے علاوہ ٹیوٹرنگ کا نیٹ ورک کرے میرا نیو وے اکیڈمی کا. جی ایگزیکٹلی سر, چینج ٹیوٹرنگ نیٹورک ہے میرا الحمد للہ نیو وے اکیڈمی کے نام سے لاہور میں, اور الحمد للہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے لیے کام کر رہے ہیں اس وقت. نہیں ارادہ ہے الحمد للہ, اور وہ ارادہ یہ ہے کہ اس طرح انڈیا میں اویو روم کے نام سے ریتیش اگروال نے ایک سیٹ اپ بنایا تھا آن لائن بکنگ کا, رومز ہوٹلس, اسی طرح ہمیں بھی ضرورت ہے لاہور میں
کراچی میں آل اوور پاکستان اور اسپیسیفکلی ندرن ایریاز میں ہمارے ان کے لیے پلیٹ فارم ان شاء اللہ ویری سون ان شاء اللہ وہ ہم لانچ کریں گے. سوری اویو کی ویلیو 2015 کے اینڈ پہ 600 کروڑ تھی اور انہوں نے 2011 میں Exactly, 680 million dollars, I'm not talking about rupees. Yes. Exactly, alhamdulillah. And I would guess it's 2 billion plus now. Yes, awesome. Exactly, 2 billion. Kareem, how many people use Kareem? Kareem is one of the first Pakistani ventures from Pakistan which has crossed $1 billion worth. Just now. MashaAllah. And less than 3 years time, right? Yes, exactly. So, it's very much possible, right? And nobody can become somebody's very easily. And if we just keep on working on it. تو آپ کی میری خواہش ہے یہ بہت ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ رہے میرے میں سمجھتا ہوں میں پہلی دفعہ مل رہا ہوں ان کو لیکن ان کو میں نے جتنے بھی کام دیے انہوں نے واقعی کیے بٹ یہ غائب ہو گئے بہت اسے نظر نہیں آئے مجھے تو میں امید کرتا ہوں کہ سب کے ساتھ ویش کے نیکسٹ ان شاء اللہ آپ کی ہمارا سپرویژن رہے گی اور ان شاء اللہ ہم اپنے پروجیکٹ کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے بفضل خدا ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امجد رسول ہے, میں ملتان سے بلانگ کرتا ہوں اور میں بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ساتھ ساتھ کالم بھی لکھتا ہوں. میں نے 5 کالم لکھے ہیں, معاشرے پہ, امن پہ, منتظر سیر میڈم مدیہ بطول پہ لکھا ہے میں نے, اور اس کے بعد انسان کے آپس میں کیوں نہیں بنتی, اس پہ روزی روٹی کے لیے کیا کرتے ہیں, ابھی تک کوئی اسٹارٹ نہیں کیا, کچھ نہیں کرتے. فیملی سپورٹ, اور میرے لیفٹ لیگ پہ پولیو بھی ہے, اسپیشل پرسن ہوں. اور میں نے جی بس اس میں آیا نہیں ہوں, اس میں آیا نہیں ہوں ابھی. دیکھیں وہ آپ سے بھی زیادہ اس کی تو گڑبڑ حالت ہے, کروڑ پتی آدمی آرام سے بیٹھا رہتا سارا دن کرسی کے اوپر ہے ٹیک لگا کے, اور اچھے پیسے بناتا تو یار اس کو شاگردی لے لیں, اور یو شوڈ پک اپ لائک. میں رائس مل آنر ہوں تو سمجھ سے میری بات ہوتی رہتی ہے تو میں حیران ہو جاتا ہوں, میرے سے زیادہ علم چاول کا سمر کو ہے اور مارکیٹ کو مطلب زیادہ وہ فوکس کیے ہوئے ہیں, اس سے اس وقت دنیا کے اسمارٹسٹ ترین آدمیوں میں کون آدمی ہے اس طرح کا, وہ تو بول بھی نہیں سکتا بےچارا. سو اٹس کوئی بھی چیز ہمیں روک نہیں سکتی سوائے خود ہی ہے نا, بس چاولوں کا سارے کام کرتے ہیں. میرے ایک دوست ہیں نبین ہے وہ انہوں نے وہ موبائل یوز کرتے ہیں خود ہی نمبر ان کو میں بتا وہ کیا کرتے ہیں نمبر فیڈ کر کے جسٹ ایک دفعہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ کس نمبر پہ جو نام آیا ہے جو نام آپ نے ابھی فیڈ کیا ہے اس کے اوپر کون سا نام ہے اور اس کے نیچے کون سا نام ہے اور کون سے نمبر پہ ہے, اور ڈیڑھ دو سال بعد بھی پوچھ لیں گے نا تو وہ آپ کو نکال کے دے دیں گے. جی پیچھے جا رہا ہوں. السلام علیکم, مائی نیم از ثنا تیمور اینڈ پرسوں میرا آپ سے کانٹیکٹ بھی ہوا تھا ریگارڈنگ, آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی, آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے میکوانی جو ہے وہ میرا اس پروجیکٹ پہ میں کام کر رہی ہوں, اور اس میں بیسیکلی میکوانی یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی پاکستانی کرافٹ مینشپ کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور اسپیشلی فار وومین کو ہم اس لیے لے کے آئے ہیں تاکہ وومینس جو ہیں وہ گھر میں نہ بیٹھیں, اور اس میں جو ہے ہمارا لیدر کا ہے اور لیدر میں ہمارے پروڈکٹس ہیں لیدر جیکٹس, لیدر بیگس اینڈ شوز. سر ہمارا ابھی اسٹارٹ اپ ہے,
एंड 8 मंथ्स हुए हैं और ये मेरे हस्बैंड हैं और हम दोनों ने मिलके स्टार्ट किया. अप्लाई 9 में किया था लेकिन उन्होंने कहा कि डेडलाइन नहीं है, तो डेडलाइन गुजर चुकी थी. लाहौर लम्स था लेकिन फिर हम उधर गए ही नहीं. जो प्लान है मेरे नजदीक स्टार्टअप एक बच्चे की तरह होता है. 18 घंटे उसको टाइम देना होता है, फिर भी 4 बजे उठ के सिर्फ उसने सोना रोना धोने के अलावा कुछ नहीं करना होता. और जो स्टार्टअप का फाउंडर होता है वो माँ की तरह होता है, उसका कोई दीन ईमान नहीं होता. बस जब जो बच्चा आँख खोल दे शोर मचा दे हाजिर होना पड़ता है. तो अगर आप 18 घंटे नहीं दे सकते तो आप जॉब कर लें, लेकिन आप बिलियनेयर नहीं बनेंगे. और अगर आपने अगर कर रहे हैं तो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. ST को फॉलो किया आप लोगों ने? ST is the world's largest marketplace for handicraft, yeah, homemade items. देखो ETSY का नाम सुना था हमने. ST is like the Amazon for your work. और अगर आप अपने products को ST पे बेचना शुरू कर दें, तो instantly sell them. ESTY, right? Google कर दीजिएगा. जी जी बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने देखा है. You can start selling them. जैसे बहुत सारे लोग Amazon पे माल बेच रहे हैं. बिल्कुल. You can sell on ST, then you can create your own brand also. मैं बेसिकली इनका हस्बैंड हूँ और ये हम दोनों का जॉइंट वेंचर है. तैमूर नाम है मेरा और मैं पिछले मैंने लंदन से मैंने मास्टर्स किया था एंड देन आई मूव बैक टू पाकिस्तान. मेरे फादर ठीक नहीं थे तो फिर मैं यहीं पे ही सेटल हो गया. तो ये हमने स्टार्ट किया था कि जस्ट टू एम्पावर द वुमेंस, के जो कुछ नहीं भी आई हैं लेकिन कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम फील्ड में जा के उनको उनका स्किल्स को हम जितना हाईलाइट कर सकेंगे. आपके दो कंपटीशन वाली कंपनीज के नाम बता सकते हैं? मार्कोर है और एक माउंट 5 है और बहुत सारी पॉपिन जे है. उन लोगों से कनेक्शन में है? कनेक्शन मार्कोर से किया था कि हमें लेबर का बहुत इशू हो रहा था और वो सिद्रा थी तो किसी सोर्सेज के साथ हम उनके पास गए थे प्लान 9 में. उनके साथ एक पेंटेरा एनर्जी वाले थे तो काफ़ी हमारा था लेकिन डिनाय हो गया कि भाई क्यों दें अपने अंदर की कहानियाँ. बहुत पुरानी किताब है हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कितना ने पढ़ी है आप? वो पढ़े पहले. अच्छा कि भाई किसी से काम निकलवाना है नहीं, वो हमने निकलवाए हैं बहुत सालों से निकलवाए हैं. अभी नए आए हैं तो इस फील्ड में जरा टाइम लगेगा थोड़ा सा. हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अताउल है और मैं एक नए स्टार्टअप के साथ चल रहा हूँ. हम एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल गेम्स वगैरह बनाते हैं और रिसेंटली दूसरों के लिए फ्री हम उसको अपलोड कर देते हैं. और रिसेंटली हम वेब एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज भी दे रहे हैं और एक नया स्टार्टअप शुरू किया हमने यहाँ पे लाहौर में और उसी पर काम कर रहे हैं. अभी तक तो वो इस तरह हम एक ई कॉमर्स साइट बनाने लगे हैं जो जो बहुत जल्द पूरे कह लो कि आपकी सिटी में बहुत जल्द आपको कोई भी चीज़ जो आप ऑर्डर करते हैं आपको पहुंचाएगी. मतलब एक घंटे के अंदर आपको जो भी चीज़ आप ऑर्डर करते हैं आपके घर तक पहुंचाएगी. काम कैसे इसका है? चाचा जी जैसे सर्विस क्या? बिल्कुल उस तरह की है जी सर. टॉप सीक्रेट क्या है? नहीं नहीं स्टार्टअप नहीं सर, हम इस पे काम कर रहे हैं मोबाइल एप्स पे और मोबाइल गेम पे ज्यादा कर रहे हैं और उसी मोबाइल एप्स और मोबाइल गेम्स पे ज्यादा काम कर रहे हैं. अभी उस पे अभी शुरू नहीं किया हमने काम. इसके ऑलमोस्ट 3 मंथ. 3 लाख. अपनी प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं जो हम फ्री में लॉन्च कर रहे हैं. अभी तक तो अपने प्रोडक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं हम. किसी के लिए हम कोई क्लाइंट बेस्ड काम नहीं कर रहे अभी तक. आप बिल्कुल बिल्कुल अपनी गेम्स बनाते हैं. चाय वाले से कनेक्शन है सर? बिल्कुल है, आज़ाद चाय वाला बिल्कुल है मैं कनेक्शन.
السلام علیکم میرا نام زرغام محمد ہے میرا نام زرغام محمد ہے اور میں بی اے کر رہا ہوں اس سے پہلے میں نے ایف اے کیا تھا لیکن 2011 میں اس کے بعد میں نے ایف اے اپنا چھوڑ دیا جاب میں کرتا رہا تھوڑے سے فائنینشیل کرائسس تھے لیکن یہ ہے کہ اب میں نے ریسنٹلی جو ہے وہ جاب لیو کی ہے اور میں نے دوبارہ جو ہے اپنا بی اے وہ اسٹارٹ کیا ہے پرائیویٹ کر رہا ہوں اس لیے ذرا تھوڑا سا اس میں فوکس کے لیے میں نے جو ہے اپنی جاب وہ چھوڑی ہے یہاں پر میں ان بھائی کے ساتھ آیا ہوں یہ بھائی مجھے لے کر آئے السلام علیکم میرا نام عدیل ہے میں نے اے سی سی اے کیا ہوا ہے اور میں اکاؤنٹس مینیجر ہوں ایک یو کے فرم ہے جن کا آفس ہے لاہور میں اس کے علاوہ فری لانسنگ بھی کرتا ہوں دو جابس کر رہا ہوں ابھی مطلب ایک اور فرم ہے جس نے ایز اے فری لانسر ہی ہائر کیا ہوا ہے دوسری یہاں پہ پراپر آفس ہے اس کے علاوہ انٹریکشن کرتا ہوں لوگوں کے ساتھ ریحان بھائی کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے اور دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ فرینڈز وغیرہ بنانا وہ شوق ہے کلچر سیکھنے کا اور چیزیں سیکھنے کا شوق ہے ابھی چھوڑ دیا آپ کا نمبر السلام علیکم سب کو میری طرف سے سلام اور سب جانتے ہی ہوں گے اور آپ لوگ فیملی کی طرح ہیں ہم لوگ فیملی کی طرح یہاں ایک بیٹھے ہوئے ہیں اور اسپیشلی میں آپ سب کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آئی ہوں کہ ہمیں آگے آنا چاہیے دیکھیں میں نے جتنا بھی سیکھا اسی پلیٹ فارم سے سیکھا تو میرا یہ پے بیک کرنے کا یہ کمیونٹی کو ٹائم ہے تو وہ میں کر رہی ہوں اپنے طور پہ پورا اب روڈ شو اسٹارٹ کیے ہیں میں نے ٹریولنگ کے دوران لائیو آنا اور لوگوں سے انٹریکشن کرنا پلیسز جیسے آتی ہیں میں بتاتی ہوں تو کلچر کو پروموٹ کر رہی ہوں ٹوریزم کی پیس امبیسیڈر بھی بن چکی ہوں تو انشاءاللہ پاکستان کو فلی ایک پیس امیج کے ساتھ ہم سب نے مل کے آگے لے کے چلنا ہے اور ایک ایفرٹ نہیں ہوتی پھر سب مل جاتے ہیں جیسے آپ آج ہم ماشاءاللہ سارے ملے ہوئے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور سب کو ویلکم کہوں گی فیملی میں فاطمہ کبھی کر لیں میرے دو شوز ہو چکے ہیں ہاں جی آپ دیکھیے گا لائیو ہوتی ہوں السلام علیکم میرا نام فاطمہ تزارہ ہے اور میرے پیشن ہے سوشل سائنسز جو سبجیکٹس مجھے پسند ہیں وہ ہیں فلاسفی چائلڈ سائیکالوجی سوشولوجی اینتھروپالوجی اور فی الحال میں ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں اے لیولس کے بعد میں نے اس پروجیکٹ کو اسٹارٹ کیا تھا اور اس کے اندر آپ لوگوں نے تھری ایڈیٹس مووی دیکھی ہوگی ٹھیک ہے مطلب وہ جو فلاسفی ہے یا وہ آئیڈیا ہے کہ ایجوکیشن انٹریکٹیو ہونی چاہیے پریکٹیکل ہونی چاہیے تو ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں لے کے ان کو بچوں کی جو ڈیولپمنٹل نیڈس ہیں اور ڈفرینٹ لرننگ اسٹائلس ہیں ان کے حساب سے ہم ویب سائٹ پہ ڈیٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے آل اوور دا ورلڈ جو ویب سائٹ کا نام ہے fukulani.com fukulani.com اس کا مطلب یہ عربک سے ہے اور اس کا مطلب ہے قیدی کو چھڑاؤ قیدی کو چھڑاؤ اور ہماری ٹیگ لائن ہے بریکنگ آؤٹ آف دا باکس یعنی کہ تھنکنگ آؤٹ سائڈ دا باکس تو اس ورڈ سے میری ایک اچھی ایک اٹیچمنٹ تھی اس لیے میں نے اس کو یہاں یوز کر لیا مطلب بیسکلی پرزنر ہم بہت زیادہ پرزنرز ہیں سوچ کے سوسائٹی کے لیولس کے آپ ایک ایسا اسکول خان اکیڈمی کی طرح کا بنانا چاہ رہی ہیں جس کے اندر ویژول لرنر کے لیے بھی ہے آڈیو لرنر کے لیے بھی ہے اور ٹیکسٹ لرنر کے لیے بھی ہے سارے اور کینیٹک لرنر کے لیے بھی ہے اور یہ چار طریقے ہیں جس سے ہم لوگ سیکھتے ہیں ٹچ کر کے سیکھتے ہیں آنکھوں سے سیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں اور کچھ لوگ پڑھ کے سیکھتے ہیں میں پڑھ کے بالکل نہیں سیکھ سکتا تو میں فیل ہو جاتا ہوں سیکھنا چاہیے تو یہ ان کا ایک بہت اچھا ویب سائٹ ہے ابھی آپ اسپانسرز اور پارٹنرز ڈھونڈ رہی ہیں اور تو جو بھی ایجوکیشن کے لیے کام کر رہا ہے اگر ان کے ساتھ کلیبریٹ کرے تو بہت آسانی ہوگی ان کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی کلیکٹیولی ہم لوگ اچھا سا کام کر سکتے ہیں صحیح ہے بیسکلی ہے تو ہماری انسپریشن خان اکیڈمی کی طرح کا ہی ورچوئل پلان بنانا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کو ورلڈ آف ایجوکیشن کا پتہ ہو آسٹریا کا یہ آئیڈیا ہے روڈولف اسٹائنر کا کہ جس کے اندر بچوں کی ایجوکیشن بہت ڈفرینٹ اسٹائل سے ہوتی ہے آپ ہر کوئی جا کے ورلڈ آف اسکول یوٹیوب کیجیے گا اور آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں جو ہے گریڈ 1, 2, 3 بچوں کو پڑھنا لکھنا بہت دیر سے سکھاتے
لٹریسی، مطلب ہمارے یہاں اے بی سی کے جی میں اسٹارٹ ہو جاتی ہے کنڈر گارڈن میں، لیکن وہ بہت زیادہ لیٹ سکھاتے ہیں ان کی بچے کو، آٹھویں کلاس میں وہ ریولیوشنس پڑھاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی باڈی میں پیوبرٹی میں تب وہ تمام ریولیوشن آ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا ان کا اسٹائل ہے، اور وہ اسکولس بنے ہوئے ان کے لیکن ڈفرنٹ طرز کے ہیں، مختلف طرز کے ہیں. تو فی الحال تو ہم ورچوئلی پلان کر رہے ہیں، آف کورس لمیٹڈ ریسورس، ان شاء اللہ وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ، لیکن ابھی تو ہمارے پاس ابھی پروڈکشن ہاؤس کی لیول پہ بھی میں جانا چاہ رہی ہوں. ابھی ہم نے گھر میں ہی کیمراز پکڑ کے ویڈیوز بنا لی ہیں جو 7 لوگ تھے، اور لان میں بیٹھ کے بنا لی، ادھر ادھر بنا لی. تو یہ کہ اب ان شاء اللہ نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ قرآن مجید کی، ہم نے 18 اسٹوریز پہ بھی کام کیا ہے اور 6 پبلش ہوئی ہیں، ویب سائٹ پہ آپ کو ملیں گی. اور ایک اسٹوری کو پڑھنے کے کوئی اراؤنڈ 18 طریقے ہیں، بچوں کو آپ کس طرح سے انٹریکٹیو وے میں وہ پڑھا سکتے ہیں. تو ان شاء اللہ آگے ہم کوئی بھی ٹاپک لے لیں، فوٹو سینتھسس ہے، مائٹوسس، میوسس ہے، الجبرا ہے، کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیں، لیکن اس کی کریٹو ویز سے بچوں کو کس طرح سے آپ پڑھا سکتے ہیں. تو فی الحال یہ سین. السلام علیکم، میرا نام محمد معین ہے اور میں ایم بی اے کر رہا ہوں یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز سے. ریحان اللہ والا سے بس بائی چانس فیس بک پہ جس طرح ہوتا ہے پھرتے پھراتے کہیں پہ کانٹیکٹ ہو، مطلب جسے کہنے سے یہ ایک ہو گیا. مجھے اچھا لگا ان کا جو مشن تھا وہ، تو اس حوالے سے یہاں پہ آیا ہوں. اور ابھی میں جو ہے وہ اسٹڈی کر رہا ہوں، اور ساتھ ایک چھوٹی سی جاب ہے ایڈمنسٹریشن کی، وہ جو ہے وہ کر رہا ہوں. لیکن بائی دا وے میرا انٹرسٹ ہے کہ میں ایک انٹرپرینیور بنوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ اس طرح یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں تو ہو سکتا ہے کچھ نئی سوچ میرے ذہن میں آئے، تو وہی سیکھنا سمجھنے کے لیے یہاں پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریحان اللہ بھائی صاحب کو دیکھنے کی براہ راست خواہش تھی 5 سال سے، آپ کا جو ہے غائبانہ تعارف بھی تھا. اور میرا نام حسان ادریس عبدالسلام ہے، آپ کے فرینڈ لسٹ میں بھی ایڈ ہوں، آپ سے پرسنل چیٹ بھی کبھی کبھار ہوتی رہتی ہے، کبھی آپ کی لائیو ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کرنا. میں جو ہے عالم بن رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے جو ہے مدرسہ کلیت القرآن، قرآن اکیڈمی المعروف، اور ساتھ ایل ایل بی پارٹ 1 کر رہا ہوں، ساتھ ایم فل میرا فائنل تھیسس میں ہے، فائنل مراحل میں ہے، اور یو سی پی میں وزٹنگ لیکچرار ہوں. اور ایک میں نے میں یہاں پہ اسلام اینڈ عربک اسٹڈیز پڑھاتا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے جو ہے کافی کچھ آپ کے جو ہے وہ آپ سیکھا، ہم آہنگی، ہارمونی، اور یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کر ایک اچھا پیس جو ہے فراہم کرنا. جو میں نے فلسفہ لیا وہ یہ ہے کہ جو دین اسلام انسان کو ایک قطرہ پانی ضائع کرنے سے روکتا ہے، وہ بے وجہ خون بہانے سے بہت شدت کے ساتھ روکتا ہے. یہ کہ یہ فلسفہ ہے. پھر میں نے ایک ادارہ بنایا ہے آن لائن، اس کا نام ہے alifikra.com. راؤنڈ دا کلاک پوری دنیا میں، یعنی راؤنڈ دا کلاک جو ہے نا، لوگوں کو فری آف کاسٹ قرآن پڑھانا. اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اگر منیمم چارجز دیتے ہیں تو ٹائم کے حساب سے ٹھیک ہے، ویسے راؤنڈ دا کلاک. اور اسلام 360 آپ کے جو ہر دل عزیز بھائی جو ہیں زاہد حسین شیپا صاحب، ان کے جو اسلام 360 اینڈرائڈ ہے اس کی میں پروف ریڈنگ کرتا ہوں. اور یہ میرا کام ہے، ہم مانگی محبت کے لانا. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ. جی ہم بات کر لیجیے. یہ والا ہے آدھا کپ چائے، کیونکہ کرسیوں کا میں ارینج ان کو کرتے ہیں، برا لگ رہا ہے آپ کو کھڑے. السلام علیکم، میرا نام عمر فاروق ہے اور میں سی او ہوں چھوٹی سی آواز کی. میرا نام محمد عمر فاروق ہے اور میں سی او ہوں، اور اس میں گرافک ڈیزائننگ کا اس میں ہمارا ہے کام. سی او جی، سافٹ ویئر کمپنی ہے چھوٹی سی، 3-4 دوست مل کے ابھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ابھی ایکسپینڈ کریں گے. ابھی فی الحال اپنے لیے یہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے نا اس کو لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا سکھانے کے لیے اس میں انشاءاللہ. آپ کیا ڈیزائن کرتے ہیں، گرافک ڈیزائن لوکل بناتے ہیں یا جی جی سبھی کچھ؟ جی ویب ڈیزائننگ میں خاص طور پہ. ویب کا کام جی کس نام سے کرتے ہیں؟ higherskills.com. ہائر اسکلز. تو آن لائن کام کیسے پکڑتے ہیں؟ ابھی تک تو دو دوست ہیں ان کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں. آتا کیسے کام؟ دوست ہیں دو جی، وہی ابھی کام اپ پر بھی کاؤنٹ ہے لیکن وہاں پہ ابھی نہیں کر رہے. نہیں ابھی کیا آپ کا ریونیو کچھ سے تو سمجھ نہیں آ رہا. ابھی تو سٹارٹ اپ ہے، 2 سال ہی ہوئے ہیں ابھی. 2 سال ہوئے ہیں جی. 2 سال تو ایگزٹ ہو جاتا ہے بس، ابھی چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں نا،
तो एक्सपेंड नहीं कर रहे अभी अपर पिंच वाला जो है ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लें कि क्या करें एक इधर पीछे भी बैठ सकते हैं आप में से एक अब उधर के आ जाए अच्छा हाँ आगे चले इधर आगे आने आपका अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद जुनैद रमजान है तो मैं बी बी एफ अच्छा मेरे सवाल था कोई अपडेट पे काम करते हैं यहाँ पे एक दो तीन यार ये दोनों थोड़ा गाइड कर दो जी जी सर पता नहीं आ रहा वहाँ सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम मोहम्मद जुनैद रमजान है मैं बीबीए बैंकिंग फाइनेंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से और साथ साथ टीचिंग भी कर रहा हूँ इवनिंग में एकेडमी बनाई हुई है दो साल से वो टीचिंग भी कर रहा हूँ जी क्या पास होना सिखाते क्या पास होना हमारे यहाँ तो लोग पास होना सिखाते हम भी बस सिस्टम के साथ क्योंकि बच्चों को बोर्ड में पास कराना उनको पास होना सिखा रहे हैं फिलहाल क्या पास होना सिखा मैट्रिक पास होना तो इसके साथ साथ मैं डिफरेंट जो गांव हैं वहां जा के कुछ टाइम वगैरह मिलता है तो वहां उनको जा कर उनको पढ़ाता हूं पास होने से कहते हैं पढ़ाते पहले तो कोशिश करता हूं जो बच्चे दाखिल ही नहीं हो रहे उनको दाखिल करवाया जाए क्योंकि मेरा अपना जो गांव है पाक पतन से मेरा ताल्लुक है तो अभी तक मेरे गाँव में स्कूल नहीं है तो वहाँ यही तो मैं अलमिया हमारा अभी तक कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके तकरीबन राउंड अबाउट 4-5 हज़ार लोग होंगे गाँव में गाँव है जी तो उसमें अभी तक स्कूल नहीं है मैं खुद भी 6-7 किलोमीटर दूर एक स्कूल था तो वहाँ जा कर पढ़ता था चले जाएंगे अच्छे स्मार्ट लग रहे तो वो इंशाल्लाह नहीं उनके लिए आसानी करनी है हमने तो लोगों में आसानियाँ मारनी है तो इंशाल्लाह यही मेरा काम अभी कोशिश कर रहा हूँ कि यूट्यूब वगैरह को सीखूँ 3-4 अकाउंट वगैरह ब्लॉक हो चुके हैं मेरे तो ऐसा ऐसा कोशिश करके रेवेन्यू जनरेट करूं और साथ ही इसी तरह ये मेरा काम है मक्का अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अतहर है मेरी आवाज़ आ रही है नहीं वॉल्यूम थोड़ा तेज ये इतनी पीछे है मेरी वॉल्यूम के अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अतहर है और 2010 से मैं अपने करियर का आगाज़ किया एक वेबसाइट से एडसेंस के थ्रू से अर्निंग की थी और डिफरेंट चीज़ों से होते हुए फिर मैंने कंपनी बना ली छोटी सी उसमें वेब डिज़ाइनिंग सर्विस दी हैं डेवलपमेंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट और अभी मैं शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ पिछले एक साल से स्टोर था मेरे और इंशाल्लाह समर के अंदर अपनी फिज़िकल प्रोडक्ट कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान की फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं उनमें लॉन्च करेंगे अमेरिका और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर तो यही जर्नी है फ़िलहाल कितने और अपने जैसे बनाए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 3 बंदों को अपनी तरह मतलब उनकी उंगली पकड़ के लेके गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो एक अच्छे लेवल पे हैं आपका रेवेन्यू महीने का साल जी मंथली अल्हम्दुलिल्लाह $3,000 प्लस है नेट ग्रॉस ये नेट प्रॉफिट हो जाता है 3 लाख जी भैया कोई बंदा अगर वो जिसको 3 लाख रुपये महीना बनाना सीखना हो तो आपका नाम दोबारा जरा जोर से बताओ मेरा नाम अतहर है अतहर भाई तो छोड़ना नहीं है और ये मीटअप बहुत कम मतलब ज्वाइन किया है मैंने मीटअप ये आई थिंक दूसरे आप क्या करें ना आप शॉपिफाई मीटअप शुरू कर दें आप ऑनलाइन सेलिंग मीटअप शुरू कर दें लारी रिटेल जिंदाबाद इंशाल्लाह अभी ये मतलब कमियां हैं कुछ सोशल कमियां थी उन्हें पूरे फिल करने के लिए अभी बाहर निकला हूं वैसे मैं सरगोधा से ताल्लुक रखता हूं तो यही ग्रूमिंग के लिए समझ लें कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ये ठोकर के पास अभी यहाँ आज कौन खास करके आया स्पेशली कौन आया
एक तो आपको कुर्सी मिल गई, आप दूर से तो नहीं आए ना, मैं ये खाली करूँ। ये फैसल भाई हैं, अभी हम 5 मिनट पहले मुझे बताया था कि रिहान साहब आए हुए हैं, तो फौरी तौर पे मैंने मतलब रेडी होकर इनके साथ आ गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्यों आए वैसे? धरने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए। मैंने ऐसी क्या खास काम? देखें, एक सर्कल होता है, उसमें कहते हैं कि वो चीज़ें एक्सचेंज होता है एकदम, तो मैं भी उससे बेनिफिट देने आए। नहीं अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल राणा है और मैं तकरीबन 2011 से जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहा हूँ, तो उसे बेनिफिट लेने के लिए फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। और ये एक सिंपल मतलब वही में ये कि मतलब हमारा जो टारगेट होता था वो बेसिकली कोई ये नहीं था कि कोई आइडिया नया लाना है या कोई इस तरह का, बस ये था कि गूगल एडसेंस से किसी तरीके से हम उसको ऑप्टिमाइज़ करके और उसे कोई इनकम वगैरह जनरेट कर सकें। इस आइडिया पे तकरीबन कर रहे हैं तकरीबन 2 साल से काम, तो कुछ ब्लॉग्स वगैरह और फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट करके तो गूगल एडसेंस जो है उसे इनकम वगैरह जनरेट कर रहे हैं, तो इसी पे तकरीबन अभी तक तो काम चल रहा है। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा है कोई मज़ीद इस पर कुछ और इसको हायर लेवल पे लेके जाने का, और उसके अलावा कुछ फ्रीलांसिंग में भी एसईओ की सर्विसेज में देता हूँ, तो यही है। मैं समझ रहा था मैं होऊंगा और मेरी चाय होगी। वैसे अभी भी आधा कैफे खाली पड़ा है, चेयर्स नहीं है। आधा खाली पड़ा है, चेयर का मसला है। नमाज का टाइम हो गया, नमाज का टाइम निकल गया। चलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना मुनीब है, लाहौर। बस एजुकेशन के सिलसिले में जैसे बाकी सब लोग थे तो डिग्री कंप्लीट करने आए, फिर उसके बाद वापस नहीं जा सके, तो 2010 में डिग्री कंप्लीट की पंजाब यूनिवर्सिटी से MBIT। उसके बाद 1-2 साल टीचिंग और रूटीन जॉब पे अप्लाई, कभी किसी बैंक की जॉब पे, कभी किसी सरकारी जॉब पे, कभी कोई लक नहीं लगी। तो एक दोस्त ने गाइड किया ये फ्रीलांसिंग वाली साइट को, तो और साथ में सिखाया भी, बताया भी और काम भी दिया, तो वहाँ से स्टार्टअप हुआ। 2 साल पहले मैंने 2014 में फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम करना शुरू किया और मेनली अपवर्क पे काम किया है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक काम है। अपवर्क तो ये बताती है कि 20K+ जो है वो मेरी पर ईयर अर्निंग है, तो मुझे लगता है मेरी इससे भी ज़्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह परमानेंट क्लाइंट्स हो गए हैं जो अपवर्क से अब परमानेंट शिफ्ट हो गए हैं। मोस्टली मैं रियल इस्टेट का काम करता हूँ सिंगापुर के लिए और US में लॉकस्मिथ साइट्स के लिए, तो उनका परमानेंट। अब मैं वेब डेवलपर हूँ, डिज़ाइनर हूँ, इस तरह से सारी सर्विसेज वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है सारा कुछ। एंटरप्रेन्योर बनने की अभी भी ख्वाहिश है और अभी इसको मज़ीद नई चीज़ें सीखने की ख्वाहिश है। तो रेहान भाई का अक्सर पोस्ट किसी ने शेयर की होती थी तो देखती मतलब देख लिया करता था। पहली दफ़ा इंटरेक्शन है रेहान भाई से और वेरी फर्स्ट मीटअप, और मुझे पता भी नहीं है मीटअप क्या है, क्या सीन क्या है। आज वही लर्निंग करने आए हैं कि मीटअप का होता क्या है और इससे हमें लर्निंग क्या होती है और क्या फ़ायदा होगा मुझे। और मेरी पहली सक्सेस यह है कि लेट भी आऊँ लेकिन रेहान भाई के पास बैठने की जगह मिल गई है, तो इससे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आगे जाऊँगा। और थैंक यू सो मच। जी सर, आप अस्सलाम वालेकुम। मीटअप का मकसद ये होता है दोस्त के कुछ ऐसे गोल से रिलेटेड लोगों को इकट्ठा करना, छोटा सेमिनार समझ लें, लेकिन एक आदमी नहीं बोलता बल्कि यहाँ पे सब आपस में कुछ नए दोस्त बना के जाएंगे आज आप। सही। और हम कोशिश करेंगे कि हर आदमी के साथ सेल्फी लेके जाए, जाके आप जो हैं आपकी जो दोस्ती है वो पक्की हो जाए, और 3 साल बाद भी जब आप किसी से बम्प इन करेंगे, जैसे मैं इनसे लास्ट 3 साल पहले या 2 साल पहले बम्प किया था, न्यूयॉर्क में मिला था। अच्छा, तो इसी तरह बम्पिंग होती रहती है, और लेकिन सोशल मीडिया फेसबुक की वजह से हम कनेक्टेड रहते हैं,
लेकिन जब हम फिजिकली जब हम मिल लेते हैं तो ये होता है तसल्ली हो जाती है, हाँ जी असली बंदा है, हाथ पैर हैं, अच्छा अच्छा कोई नकली नहीं है, असली आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग कराते रहा करें कि आप ये हमारे बुजुर्ग हैं इवेंट्स कराने में, तो इवेंट्स कराते रहा करें यार, होती होंगी आई एम श्योर होती होंगी। हर मंथ ही करते हैं हम लोग, लेकिन हमारा सेंट पीक होते कॉर्पोरेट सेक्टर का, तो बट इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। इस तरह आउटरीच प्रोग्राम का होता है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम ये है कि सर्कल्स जो है, मुझे कोई अगर कोई मैसेज करता है, मैं सबसे पहले फेसबुक पे देखता हूँ कॉमन फ्रेंड कितने हैं, उससे पता चलता है कि बंदा और आप में कितना दूरियाँ होंगी। अगर आपके साथ किसी ने मैसेज किया और 10 कॉमन फ्रेंड हैं तो उसका मतलब है आपकी और उसकी जो जरासीम है कुछ कुछ कॉमन होंगे, लेकिन अगर कोई भी नहीं और आपकी फ्रेंड लिस्ट खोल के देखें और बिल्कुल ही अजीब व गरीब लोग नज़र आए तो फिर यार ये तो बड़ा मेहनत का काम है इससे बात करना, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग दुनिया से आ रहा होता है। तो हम लोग सर्कल्स में रहते हैं, अगर हम इन सर्कल्स को तोड़ देंगे तो ऑल ऑफ अ सडन नई चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। जैसे आप हैं, आप बिल्कुल अपने बस, ये एक हमें एक और प्रॉब्लम है, एक एक हमारी प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक हमारी पर्सनल लाइफ होती है, हम प्रोफेशनल और पर्सनल को मिक्स नहीं करते, ये सिखाया जाता है ना स्कूल में कि पर्सनल को अलग रखें प्रोफेशनल को अलग रखें, ये एक अलग मामला है। देखें ज़िंदगी में जितनी नौकरियां लगेंगी ना 70% आपके जानने वाले कौन हो, नौकरी कैसे लगती है जो जानने वाला बताता है, तो प्रोफेशनल और पर्सनल अलग कैसे हो गई भाई। ये सब लाइफ ही यही है कि हम इकट्ठे हैं, हमें इसको ज़रा सोचना रीथिंक करना चाहिए कि प्रोफेशनल क्या होता है भाई और ये नॉन प्रोफेशनल। तो मुझे इस बात पे फख्र है क्योंकि ये सारा कुछ मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सीखा कि पीस को कैसे जनरेट करते हैं, और मैंने थीम इसका डिफाइन हम लोगों ने ऐसे किया पीस एंड टूरिज्म इन द लाइट ऑफ एजुकेशन। कल मैं रिपोर्ट में एजुकेशन को भी मैं प्रमोट कर रही हूं एज बीइंग एमफिल स्कॉलर, और साथ पीस और टूरिज्म को भी अपनी रिवायत। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं ना कि एजुकेशन सोल्यूशन है, पीस एंड टूरिज्म इन द लाइट ऑफ एजुकेशन। तो दिस इज माय मैसेज बेटा। और ला रहे हैं क्या सोफे? अच्छा जी, बहुत मेहरबान, आप इधर आ जाओ, मैंने इसी मुल्क में ना इधर आ जाए, इसको मिला ले मेरे ख्याल में आपस में, तो ये नमाज से नहीं खुद चलाते जी इस मुल्क में, इन दोनों को मिला ले एक बंदा बीच में आ जाएगा। हाँ जी ये होगा, ठीक है, वही है जी। अच्छा जी, तो सवाल है आपके पास तो है? अच्छा चुप था जी, नहीं आपके लिए मसाले जाना होना, नहीं आपके लिए आपको पता है कि मेरे से मुझे नहीं पता कोई, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। सवाल दें, सवाल सवाल ही है सवाल मेरे लिए सवाल, क्योंकि मैं ही जवाब दूंगा। नहीं आपकी जात पे नहीं है, मतलब ये कम्युनिटी पे जरूर है, मतलब मैं चला जाता हूं दे मतलब आपके लिए भी है। अच्छा। आप कराची से बिलोंग करते हैं, एक इंतहाई वेल नाउन शख्स ने जो मतलब बहुत बड़ी इनक्यूबेटर अब वो स्टार्ट करने जा रहा है, उसने मेरे साथ स्कैम किया, ठीक है। इस स्कैम को मैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लेके आया हूँ, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे अप्रिशिएट किया है कि भाई आप मेरी चैट को पढ़ा है और मतलब विद प्रूफ लेके आया हूँ ना, उन्होंने मेरी चैट को भी पढ़ा है और उस स्कैमर की चैट को भी। सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेरे साथ ये स्कैम हो गया, ठीक है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ बिल्कुल जैसे अब वेल नाउन है, मैं चाहता हूँ अब कराची में है, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे साथ स्कैम हुआ है, वो कहते हैं मेरे साथ इसके साथ स्कैम नहीं हुआ। मैं आप टेक्नोलॉजी को भी जानते हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ मेरा भी मसला सुन लीजिए और उनका भी मसला सुन लीजिए, मतलब मैं कोई ऐसा शख्स ढूंढना चाह रहा हूँ। बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, आपको शुक्र करें 1,00,000 में हमने इतनी सारी चीजें सीख ली, अल्लाह का शुक्र अदा करें, आगे चलें मट्टी पाए आगे चलें। लेकिन सर बिलफर्ज ये तो अगर आप उसको लेके बैठे रहेंगे तो 1,00,000 के पीछे आप अपने 5,00,000 की एनर्जी जाया कर दें, आप उतनी एनर्जी से 10,00,000 और बना लें, वो खुद ही बेचारा जलता रहेगा यार, तेरे तो इससे ज्यादा का निकलवाना चाहिए था। देखें ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, कोई स्कैम करेगा, कोई आपको ख़राब अमरूद खिलाएगा, कोई आपको ख़राब नारंगजी खिलाएगा, यू नो ज़िंदगी, कोई आपको ख़राब चावल खिलाएगा, वही तो लर्निंग है, यही तो सीखना है और क्या है। नहीं तो आप यहाँ 1 करोड़ रुपए हार्वर्ड में देकर आते हैं आप, तो क्या वो स्कैम नहीं है?
मेरे हिसाब से तो वो भी स्कैम, 1 करोड़ रुपये निकलवा लेते हैं साल का आपसे, हैं तो कहते हैं ये कागज ले जाइए भाई, वो बैठ रहा था टीचर यूँ बैठ रहा था, खुद ही सवाल करें खुद ही जवाब करें, चलो जी पैसे दे दो हमें, तो ये भी तो देखें आपकी परसेप्शन है कि उसके आप उसने आप उसको समझ लेंगे आपकी उसने फीस ली है। मैंने आपसे मुझसे बात करी, आपने कहा जी मेरे पास आ जाए, मैंने कहा जी मैं तो $500 घंटे के लेता हूँ, ठीक है ना, आप फेंका दे देते हैं तो फिर आप कहते हैं इन्होंने स्कैम कर लिया मेरे, तो भाई वो आप फीस समझ के दे दें उसको, कहा नहीं मटी आगे चले। किसी का कोई सवाल है? और इन्होंने कहा कि $1,000 का स्कैम हुआ आपको ना, 1 साल पहले मुझे $2,000 का स्कैम हुआ और जिस अपॉर्चुनिटी की वजह से हुआ मैंने उस वक्त ठान ली थी कि जितनी एनर्जी मैं इसको पैसे निकलवाने में कर रहा हूँ मैं हर महीने $2,000 बनाने की स्कीम क्यों ना बनाऊँ। तो फिर मैंने ऐसा बिजनेस डेवलप किया कि सेम उसी अपॉर्चुनिटी से मैंने जो एनर्जी उसके उससे पैसे निकलवाने में लगानी थी वही मैंने एनर्जी लगाई उस बिजनेस में और उसी से मैंने निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ऑटो पायलट पे $2,000 मुझे हर उस बिजनेस से आता है। तो ये आप एनर्जी उस तरफ लगा लो ताकि आपका जो है ना $1,000 तो आप उसके उसके गम को इस तरह भुला सकते, मेरा ख्याल है कि पिछले साल मेरे साथ 35 लाख का स्कैम हुआ, अगर वो उन चीजों पे जाऊं जिसमें ये कह रहे हैं वार्निंग के तौर पे, मिसाल के तौर पे रिहान अल्लाह वाला ने आपसे स्कैम किया फॉर एग्जांपल, तो आप एक वीडियो बना के या एक आर्टिकल लिख के छोड़ दीजिए, कहानी खत्म, आगे चले मटर का, आप जाके दूसरा आदमी अवेयर हो जाए। इंटरनेट का यही फायदा है कि हम ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में रहते हैं, कोई गूगल करेगा आपके उस आदमी को तो सामने आ जाएगा, अब उसका प्रॉब्लम है वो समझाता रहे सारी जिंदगी और ज्यादा तकलीफ है, कोर्ट में चले जाए और ज्यादा तकलीफ है, FIR कटवा दें, मतलब मेरा ना मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, ये तो सिंपल, ये तो कानून मौजूद है ना, लॉ मौजूद है, आप पुलिस में जाके इस आदमी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, फ्रॉड का 420 का केस बना दो। अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है कि जैन माजिद को आप जानते हैं, सो मेरा जो बिजनेस पार्टनर है 2-3 दफ़ा आपसे मुलाकात भी हुई है, तो अमेजोन पे हमने एक बायर लिया, जो उनसे है सर्टिफाइड बायर था उसका, और हमने इंडिया से सोयाबीन का एक कंटेनर मंगवाया 15 लाख का, और पहले एडवांस पैसे दिए, फिर जब नज़दीक आ गया उसने पूरे पैसे मांगे, आज इस बात को 2.5 साल हो गए, सांगला हिल का बंदा है, उसे मलेशियन गवर्नमेंट ने कोई सर का खिताब दिया होगा, और यहाँ पे भी वो कुछ गवर्नमेंट सॉरी ऐसे ही है कुछ, उसकी YouTube पे वीडियो भी है, उसने अपना सारे बैंक अकाउंट नंबर और सारी चीज़ें दी हुई हैं, अपने घर का एड्रेस वगैरह के जी कि मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड हो गया इसलिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मैं आऊँगा किसी एक दिन, और वहाँ पे आप किसी भी बैंक से या किसी भी थाने वाले से बात कर लेंगे तो एवरीबडी नोज दिस पर्सन एंड ही इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट एज वेल। सो बात यह है कि जी कि अब वो पैसे तो लेके चला गया, अब उसके घर में चले जाओ, उसकी बेटी है, उसकी बीवी है, तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट वन, सो रादर देन के जी कि अब उसने कुछ 2.5 साल के बाद जाके उसे छोड़ दिया और अपने बिजनेस के ऊपर जो उनसे है ना वो वॉर करना शुरू किया कि यार अब वो वाली चीज़ तो जब आएगी जब आएगी, लेकिन आई हैव टू डू अदर थिंग फॉर माई किचन। सो अगर उसी के ऊपर एनर्जीज लगाते रहेंगे तो भाई आगे ज़िंदगी तो नहीं रुकने वाली ना, तो आपने आगे भी तो बढ़ना है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। और वो एक वही चीज़ है कि जी कि कीमत आपने दे दी, लर्निंग हो गई, चाहे वो 15 लाख में चाहे वो लाख में, आप किसी के लिए 15 लाख 1 करोड़ भी है उसकी वैल्यू है ना डिफरेंट, तो उसमें यही है कि देखिए भाई अब लेट्स मूव फॉरवर्ड और उसके बाद आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को कम किया जा सकता है। तो इंसान तो सीखता ही रहता है पूरी ज़िंदगी। मेरा नाम इफ्तिखार हुसैन है और मैं पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर कॉन्फ्रेंसेज वगैरह करता हूँ। सो we have a very well known brand DigiMark के नाम से, अभी हमने 5th International Digital Conference करवाई है जिसके अंदर Facebook, Google, Cream, all FMCGs, telcos, banking sector, diplomatic missions in Pakistan, financial institutions जो उनसे हैं वो उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। सो पहली दफ़ा हम कराची में जाके करके आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुल, लाहौर में इतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना कराची मार्केट में हुआ, जितना सुना था उससे भड़ के पाया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत फ़ायदा हुआ। इसी चीज़ के पेश नज़र हमने लास्ट ईयर जनवरी में डिजी टॉक के नाम से एक प्लेटफॉर्म शुरू किया था फॉर बिल्डिंग डिजिटल कम्युनिटी इन पाकिस्तान, पर्टिकुलरली फॉर ब्रिजिंग इंडस्ट्री का जो गैप है उस फील्ड के अंदर उसे पूरा करने के लिए। उसके अंदर भी हमने डिफरेंट सिनेरियोज़ को पिक किया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम किया, फ्यूचर पेमेंट्स के ऊपर काम किया, कंज्यूमर मार्केटिंग के ऊपर काम किया,
मतलब आप नाम ले लेंगे तो हमने हर एक फील्ड को लेना है। तो अब हमने एक उसका एडवाइजरी बोर्ड बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज के जो उनसे हैं जो इफेक्टिवली प्रैक्टिशनर्स हैं उनको हमने डाला है और हम मजीद उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम कैसे रीच आउट कर सकें, मैसेज तक पहुँच सकें। तो अब हम उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी लेके जाने लगे हैं और फिर उसके बाद इस्लामाबाद और कराची के लिए भी हम लोग लेके जा रहे हैं। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। थैंक यू। और आप अलुमनाई सो अभी उसका पहला हिस्सा जो उनसे वो हो गया है कि मैं पाकिस्तान यूएसएल मेरा नेटवर्क का जो उनसे है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ और उसकी कंट्री पोजीशन के लिए मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ जो 22 जनवरी को उसका कॉन्टेस्ट होगा इस्लामाबाद में। एम्बेसडर उसको हेड करेगा, एम्बेसडर साहब जो उनसे हैं एम्बेसडर हेल वो उसके पैटर्न इन चीफ है, पाकिस्तान में रजिस्टर्ड बॉडी है। ये वो इदारा है जो यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम जो स्टेट डिपार्टमेंट के फंडेड प्रोग्राम्स पे जाते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे वो प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम से रिलेटेड हो, वो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। सो आई वुड इनक्रेज के जी कि आप ज़रूर इन प्रोग्राम्स को देखें। जो मैट्रिक के बाद बच्चे होते हैं वो तकरीबन 10 महीने के लिए उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि दैट दे स्पेंड देयर यू नो 1 ईयर इन US, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं और फिर इसके बाद जो बैचलर प्रोग्राम्स में हैं वो तकरीबन 4 महीने जो उनसे हैं वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। जो कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं वो तकरीबन उनके लिए CCIP एक प्रोग्राम है सोशल वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो वहाँ पे 10 महीने गुजारते हैं। सो इसके अलावा तकरीबन कुछ मतलब के 50-60 से ज़्यादा थीम्स हैं जिसके ऊपर आप जा सकते हैं और आपकी अगर प्रोफाइल बनी हुई है तो आपको जो उनसा है वो स्टेट डिपार्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप अमेरिका में जाके उन मुंतखब कंपनीज़ के साथ आपकी मीटिंग्स वगैरह फिक्स करवाएगा और आप मज़ीद वहाँ का कल्चर यहाँ पे प्रमोट करें और यहाँ का कल्चर वहाँ पे प्रमोट करें, उसके मुताबिक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूचुअल कोलैबोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर सकते हैं। स्कूल का इसके साथ कोलैबोरेशन करवा जी ज़रूर और आप इसकी तरफ अपनी तरफ करके जरा अपना भी तारुफ करा देना। मैं पकड़ लूँ। मेरा नाम आदिल रबानी है और मेरी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा नाम आदिल रबानी है और मेरा ताल्लुक क्वेटा से है। मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने क्वेटा से तो नहीं है, एक और जगह से है, लोरा लाई से है बेसिकली। और एजुकेशन मेरी क्वेटा से है सारी और उसके बाद लाहौर में कुछ अर्सा सॉफ्टवेयर हाउसेज में काम करता रहा हूँ। अब मैं ज़्यारत में एक ट्रस्ट है अल हिजरा रेजिडेंशियल स्कूल एंड कॉलेज जिसमें पूरे बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट से जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो वहाँ पर मैं गरीब से मुराद ये है कि जिनके पेरेंट की एनुअल इनकम 2 लाख से कम हो या 2 लाख तक हो, मतलब जिनमें मोस्टली चरवाहों के बच्चे हैं या चौकीदार और इस लेवल के जो लोग हैं उनके बच्चे हैं जो नॉर्मली पढ़ते ही नहीं हैं। तो और इनके ऊपर केस कर दिया था हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स ने उसको बंद कराने के लिए क्योंकि उनको एडमिशन नहीं मिला था उनके बच्चों को इनके स्कूल में, इतना अच्छी इनकी स्कूल की क्वालिटी। जी हमारे जो स्कूल की जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले यही गरीब होना जरूरी, गरीब होना जरूरी है और वो बच्चा जो है 6th क्लास तक उसने किसी सरकारी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, ये भी उसकी शर्त है। और एज का भी एक फैक्टर है कि 13 से 14 साल के बीच में उसकी एज हो, क्योंकि हमारा बोर्डिंग स्कूल है सारे रहते भी उधर ही हैं तो डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट मतलब पूरे बलोचिस्तान से ही हैं सारे। तो अब मैं वहाँ पर एज ए लेक्चरर अपने प्राइज अंजाम दे रहा हूँ। और ये हमारा हमने इनके स्कूल के विजिट के बाद मैंने एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम बनाया, इसको भी इनकी जिम्मेदारी इनके सीईओ ने इनको दी है, अभी तक इन्होंने जिम्मेदारी उठाई नहीं है। हर एवरी सिंगल स्टूडेंट विल हैव देयर ओन बिजनेस इन दैट स्कूल, हर 3 बच्चों का एक बिजनेस होगा तो 55 बिजनेसेस वहाँ से जनरेट होंगे और 2 साल का एक बिजनेस का ऑपरेशन होगा, साइकिल होगा और 6th, 7th, 8th, 9th के बच्चे होंगे जो अपने बिजनेसेस चला रहे होंगे। मकसद क्या है कि वो फेल होना जल्दी सीख लें क्योंकि बिजनेस में फेल होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, तो अगर फेल होना जल्दी सीख लेंगे क्योंकि स्कूल वाले सारे पास होना सिखाते हैं तो हमें यहाँ फेल होना सिखाना है तो उसके बाद मिल जाएंगे। जी हम लोग एक प्रोग्राम चला रहे हैं, यूएस एम्बेसी प्रोग्राम चला रहा है, 2 लाख तो बहुत बड़ी इनकम आपने बता दी है। सो दे ट्राई टू वर्क विद जिनकी एनुअल अच्छा जिनकी एनुअल इनकम जो उनसे है वो तकरीबन कोई 3,000 रुपये के करीब है। सो दे यू नो आन लाइक महीने का 3600 रुपया 2500 रुपया 3000 रुपया 3600 हो गए सर, सॉरी
तो उन उन लोगों के लिए काम करते हैं और उन बच्चों को मतलब जो अब वो वाले बच्चे जो उनसे हैं जो मतलब दसवीं दस साल के हैं या ग्यारह साल के हैं, वो बच्चे अपने घर वालों के लिए लेबर का काम करते हैं और उनके लिए कमा के लेकर आते हैं ताकि वो उनका घर का सिलसिला चल सके। तो यूएस एम्बेसी एक प्रोग्राम चलाता है, एक्सेस प्रोग्राम, अंग्रेज़ी सिखाता है उन्हें और उनको पैसे देता है ताकि वो अपने घर को कंट्रीब्यूट कर सकें और वो पढ़ सकें। तो अब हम आगे जो उनसे उनकी सेकंड आइट्रेशन है वो हम उनके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करके यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप्स के लिए काम कर रहे हैं। सो वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू यूएस के लिए यहाँ पे उनको यूएस एम्बेसी के लिए हम लोग एक प्रोग्राम तश्कील दे रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कर सकें। वी यू नो डिस्कस्ड कपल ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज लेकिन अभी भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। सो वी आर ट्राइंग टू हेल्प के जी के कोई पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलके हम तीन चार यूनिवर्सिटीज़ को पार्टनर लेके हम उन जो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप दें और उनकी हायर एजुकेशन जो उनसी है वो उनकी पूरी हो सके। एक और चीज़ मैं थोड़ी सी एड ऑन करना चाहूँगा इससे रिलेटेड कि हमें स्पॉन्सर बेसिकली तुर्की कर रहा है, मतलब जो हमारे एक्सपेंसिस हैं वो सारे तुर्की मीट कर रहा है वहाँ से। और अभी हम इंशाल्लाह हमारा प्लान है नेक्स्ट कि हम उसको यूनिवर्सिटी की तरफ मूव करें। मतलब अभी तो हमारा सेवन्थ क्लास से लेकर सेकेंड ईयर तक के बच्चे हैं, तो हम नेक्स्ट प्लान यही है कि हम अपनी ही अलहिजरा के नाम से ही एक यूनिवर्सिटी बनाएं जिसमें यही स्टूडेंट्स आगे प्रमोट हों। और आप में से कोई भी अगर बच्चा ज्यारत की वेकेशन करना चाहे तो एक घंटा रोज दो घंटे वहाँ पढ़ाना होगा या आपको वहाँ कमरा बोर्डिंग लॉजिंग देंगे। एक हफ्ता आप ज्यारत में जाएं, इनके स्कूल में हैंग आउट करें, आप खास तौर पे सोचें इसके बारे में और वहाँ जाके उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। मुझे तो बहुत मज़ा आया था और मैंने वहाँ टारगेट देख के आया हूँ, जैसे पूरा करेंगे फिर जाऊँगा मैं इंशाल्लाह। एंड आई थिंक दे फिनोमिनल स्टूडेंट्स बिकॉज उनके माँ बाप उनको डंडा नहीं करते ना, ये कर ले, वो बच्चे जो चाहते हैं वो करते हैं। और आई कैन बेट के आप मतलब हमारे बच्चों से मिलेंगे तो आपको एक चेंज फील होगा। मतलब नॉर्मल जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं ये बिल्कुल वैसे नहीं है, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग और पढ़ने वाले मोस्टली सारे। जी जी, ये चीज़ें आप लोगों ने डेवलप की है मतलब हमने सिर्फ पॉलिश किया है, ये चीज़ें आपने डेवलप किए करने के बाद जी जी, तो हम अब ये प्राउडली ये बात कहते हैं कि मतलब अभी अगला मीटअप करेंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे दोबारा आप सब लोग आके इनसे मीटअप कीजिएगा इनके साथ और ये आपको मजीद पूरी कहानी सुनाएंगे और डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएंगे। जी मौलाना साहब आपका सवाल। मेरा सवाल ये है रेहान भाई से कि रेहान भाई माशाल्लाह आप तालीम को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं और माशाल्लाह आपका सारा काम मुझे यूं लगता है जैसे सारा इंटरनेट पे ऑनलाइन या जो जिस जो कम से कम मोबाइल से एंड्रॉयड से रिलेटेड हो। आप वैसे जो निज़ाम तालीम है वो मजबूत होता है इदारे बनाने से, इंस्टीट्यूट को जो है ज़रा जो है डेवलप करने से। आप अगर कोई बंदा आपको जानता है अगर आप यहाँ पे कि आपके लाहौर में कोई ब्रांच नज़र नहीं आती, वैसे एक बिल फेल एक इधर आप हो ना फिर आप दुनिया में जाते हैं माशाल्लाह, आप बहुत से मैसेज को जो है लोगों को पैगाम देते हैं। अगर आपका एक इदारा बन जाए और मुख्तलिफ इसकी ब्रांचें बन जाए तो उसमें क्या हाल जाए, तो ये बाकायदा आपके लिए सदका जारी होगा नहीं आप जरी बात है। अब मैं कल को आपके नाम का इदारा खोलूं, कल के आपको मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर देंगे। मैं किसी के खिलाफ कोर्ट में नहीं चले, ठीक है। नहीं मैं सीरियस ऑन अ सीरियस नोट, नहीं मैं भी सीरियस हूं, मैं फिजिकल एक स्कूल बनाने में इंटरेस्टेड हूं। इसका अगर आपने से किसी ने सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी का नाम सुना, सो सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के तर्ज का मैं एक स्कूल बनाने के इंटरेस्टेड हूं जिसके अंदर बिलियनियर्स क्रिएट किए जाएंगे। मिलियनियर्स मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मिलियनियर्स बनाने मिलियनियर बहुत हैं। बिलियनर क्या होता है, एक मिनट, बिलियनर वो होता है जो बिलियन लोगों की जिंदगी पे इम्पैक्ट क्रिएट करता हो, वो होता है बिलियनर। वो नहीं होता इसका बिलियन डॉलर बाई प्रोडक्ट होता है इम्पैक्ट क्रिएट करने का। पैसा कमाना के लिए सब काम करते हैं, वो गलत तरीके पे काम करते हैं मेरे ख्याल में। पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहिए, काम इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए चलना चाहिए। जब आप इम्पैक्ट करने के लिए करते हैं बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बिकम्स मनी। होप तो यही है, बाकी पता नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। जहाँ तक फिजिकल का ताल्लुक है तो ये सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल है। फिर मेरे पास कराची में हर वक्त कुछ ना कुछ इंटर्न्स रहते हैं 10-12 जो कि इसी तरह के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस हैं
اور وہ چیلنجز میں معاشرہ ہے سب سے بڑا معاشرہ کہ یہ کیا کر رہے ہو, ٹائم ضائع کر رہے ہو بھائی, کس کے پاس چلے گئے, یہ کون آدمی ہے, کیا کر رہا ہے, یہ تو ایجنٹ ہے کسی ملک کا, فیس بک کا ایجنٹ ہے, اس کا ایجنٹ ہے, اس کو بہت ساری چیزیں سمجھتے ہو, ان آنسرڈ کوسچن, اور سوال بھی نہیں کرتے. اگر سوال کر لیں تو بھی جواب دے دو, سوال بھی نہیں کرتا اور اسمپشن سارے لے کے پھرتے ہیں, تو میرے لیے پرابلم ہو جائے گی. یہ کافی سارے دیکھیے میرے لیے چیلنج ہے, تو اللہ میاں نے اگر کروانا ہوگا تو کروائیں گے, بٹ میرا ارادہ ہے جس چھوٹے سے اسکول کا ضرور ہے, تربیت گاہ کا, اور گڈ لک نہیں چاہیے, گڈ ہینڈ چاہیے. سکرات بکرات جو تھا, سکرات بکرات جو کہ قبل المسیح نہیں نہیں اس دور کے حوالے سے وہ بہت بڑا اسکالر تھا اس وقت, قبل المسیح یعنی کئی سال پہلے اس نے بھی ادارے بنائے تھے, یعنی اس کا بھی ایک مکتبہ فکر تھا. اور یہ سابو صفا جو ہمارے دین میں ہے, پہلا مدرسہ جو بنا تھا, جو چبوترا تھا صحابہ کے لیے, وہ بنا تھا. اسی لیے بالفعل اگر ادارے قائم کیے جائیں تو آپ کا نہیں, آپ نے فرمایا کہ میرا مقصد پیسے کمانا نہیں ہے, تو میں نے اسی لیے یہ بات رکھی ہے کہ آپ کا مقصد جو پیسے کمانا نہیں ہے, پیسے تو بہت سے لوگ کما رہے ہیں, میاں عامر صاحب پیسے کما رہے ہیں, تو وہ کر رہے ہیں نا, اس کو کرنے دو. میں بھی اسی چیز میں پوچھ جاؤں, ایک لاکھ این جی او ہے اس ملک میں, آپ پوچھیں ہر این جی او سے کہ کیا کام کرتی ہے, ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں جی, ہیلتھ پہ کام کرتے ہیں, اور جو ہے نا بچوں کو پڑھانے پہ کام کرتے ہیں. بس بھائی ایک لاکھ آدمی اگر کر رہے ہیں تو ایدی صاحب کہاں ہیں, کتنے والے. سو اف وی آل فوک, اگر ہم سارے ایک ہی کام کریں گے, سارے برابر میں لاریٹے کھول لیں, نہیں چلے گا نا. وی آل ہیو ٹو فوکس آن وٹ وی آر گڈ ایٹ. اگر آپ مجھ سے وہی کام کرائیں گے جو میاں عامر کر رہے ہیں, تو میاں عامر کا کام کون کرے گا, میرا کام کون کرے گا. سو الگ الگ کام ہے, ملٹی پرپز ہونا چاہیے انسان کے سامنے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ وجہ فرما رہے ہیں. اگر میں اس کا جو میں پولیٹیکل آنسر دے دیتا ہوں, جی ان شاء اللہ ضرور کریں, اس پہ کمیٹی بنا دیں, کاف صاحب آپ ہینڈل کریں. یہاں پہ ایک دانیال ہے, یہاں پہ ایک اور ساتھی تھے ہمارے, کل بھی ملا تھا میں ان کو, میں نے خاص طور پہ بلایا تھا کراچی ہماری یونیورسٹی بنانے کے لیے, بٹ ہی ڈڈ ناٹ آپٹ ان. میں بہت کم لوگوں کے ساتھ کام کر پاتا ہوں, میرا کپڑا ذرا زیادہ خراب ہے, تو جو خراب کپڑے والے لوگ ہیں انہیں کو سمجھ آتا ہے کہ بول کیا ہے. آپ اپنی جگہ 16 آنے ٹھیک ہے, اور میں داخلے بنانے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں اس طرح. معذرت, جاب نہیں شروع کر دی تھی؟ ہاں جی, دانیال نے جاب نہیں شروع کر دی, دانیال نے جاب شروع کی, تو میں نے اس سے جاب آفر کی تھی ہمارے ریحان یونیورسٹی کے پلیٹ فارم کو بنانے کے لیے, سنگولیرٹی کی ٹائپ کی یونیورسٹی بنانے کا میرا رابطہ. اینی ادر کوسچنس, چھٹی کروں, انٹروڈکشن رہ رہے ہیں ویسے کافی سارے, سب کے رہے ہیں, کسی کا کوئی سوال, کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی. میرا نام بلال ہے, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے تھوڑے عرصے میں زیادہ پیسے کمانا کیا اس طرح ہونا چاہیے؟ تھوڑے عرصے میں زیادہ, جتنا بڑا پرابلم سالو کریں گے اتنے زیادہ پیسے کما لیں, یہ اس کا صحیح آنسر ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آیا تو اس کے لیے 500 فرینڈ ایڈ کر دیں, تھوڑا تھوڑا سمجھ آ جائے. تھری ایڈیٹس دیکھیے, تھری ایڈیٹس مووی دیکھی جی, تین بار دیکھا. اور کوئی سوال؟ کیا نہیں سر, میرے لیے یہ پلیٹ فارم بالکل ڈفرینٹ ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کی فیلڈ سے نہیں ہوں. ماشاء اللہ جی, بڑی اچھی, میں بھی بتانے لگا. ماشاء اللہ جی, یہ اچھا لگا کہ مشین نیٹورکنگ والے لوگ ہیومن نیٹورکنگ کی طرف آ رہے ہیں, لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم کو یا ہیومن نیٹورکنگ کو ایک سال بعد, چھ مہینے بعد, دو سال بعد کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اس سے آپ کیا آؤٹ کم لینا چاہ رہے ہیں؟ میرا نام فرقان اوان ہے, اور میں مائکروبیل نیٹورکنگ میں کام کرتا ہوں. میں بیسیکلی مائکرو بایولوجسٹ ہوں, میرا لائف سائنسز سے تعلق ہے, میرا کمپیوٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مائکروسکوپ کے نیچے بیکٹیریا کو دیکھنا, اور بیکٹیریا کی مدد سے ڈیزیز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہیومن باڈی کے اندر یا جانوروں کی باڈی کے اندر, وہ میرا کام ہے. تھینک یو. اس کو ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ is one of the kafre kaaf ke ghar wale mujhe shayad marenge agar unko pata hota ki ye bachcha rehta ho jayega 2-3 saal baad. kaaf se meri mulaqat hui thi facebook pe 2 saal pehle, taqreeban hi mansera mein rehte the, usme ye lahore mein the, lahore mein hi the sabhi, to ye mujhe kafi bura bhala kehte the, daantte roote the, aur kehte the kya bongiya marta raha banda, kya ye ajeeb ajeeb si baatein karta, aise kuch tha na.
फिर उसके बाद मैंने उनको दो फोन बना दिए, तो ये रिश्वत गई तो चुप हो गए इनको उसके बाद इनको यकीन आया कि मैं वाकई स्मार्टफोन और लैपटॉप वगैरह बांट देता हूँ. क्या फ़ायदा हुआ कहा ये सब हमने जो किया, और आपके ख्याल में हम दो साल बाद कहाँ होंगे? मेरी आज काब से ज़िंदगी में दूसरी तरफ मुलाकात होगी फिजिकली, ठीक है, काब की तरफ. काब काब को 500 दोस्त चोरी करने से क्या मिला, और अगले दो साल में आपको क्या होता हुआ नजर आ? 500 दोस्त चोरी करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी जो नेटवर्किंग थी वो काफ़ी ज़्यादा होगी. अभी आप ऐसी टोपी शोपी भी नहीं पहनते और 7-8 महीने पहले तो मैं ऑनलाइन अर्निंग के बारे में मैंने सुना, तो मैं आया इसमें फील्ड में आ गया. मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं. यूट्यूब से शुरू किया, यूट्यूब पे जोर आजमाई की, तो 3 महीने बाद $150 पर मंथ आने लग गया. और उसके बाद मैंने कहा चलो अभी फ्रीलांसिंग की तरफ जाते हैं, फाइबर ज्वाइन किया, और अभी तक 3-4 महीनों में Level 2 सेलर हो गया हूँ और $5,000 कमा लिया है. और उसके बाद अभी ब्लॉगिंग की तरफ गया हूँ. ब्लॉगिंग में मुझे कुछ ख़ास पता नहीं है. अभी मैंने एक वेबसाइट बनाई है internationalgossips.com, और अभी उसको वो भी एज अ पेट प्रोजेक्ट अभी उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं. तो 6-7 महीने या 8 महीने साल पहले जब से मैं रियाज भाई से नहीं मिला था, तो मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था. और YouTube और ब्लॉगिंग में ख़ास तौर पर इनके फ्रेंड्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया. और 2 साल बाद का जो है, 2 साल बाद अगर मैं इस टाइम पे इतना कुछ कर चुका हूँ जिसका मुझे बिलीव नहीं था, मैं अपनी फ़ीस खुद पे करता हूँ, इतना मंथली ख़र्चा खुद उठाता हूँ, घर वालों खुश हैं मुझसे, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है. और जो 300 या $400 में घर से मंगवाता था, तो वो भी मैं खुद अपना अरेंज कर लेता हूँ, और ये घर वाले भी खुश हैं. तो अभी ये है कि 3-4 लोग मैंने खुद ऐसे हैं जिनको मैं सिखा रहा हूँ. मैं ख़ुद तो कोई इतना ख़ास मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये है कि जो बेसिक टेक्निक्स होती हैं वो मैं सिखा रहा हूँ. 3-4 लड़के हैं जो Level 1 सेलर कर चुके हैं, YouTube पे 1,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता भी चल रहा है. और 1 साल बाद या 2 साल बाद आप ख़ुद सोचें कि अगर मैं इस टाइम पर $5,000 कमा चुका हूँ 4 महीने में, मतलब तकरीबन बनता है, अगर आप एवरेज बनाए $400 तकरीबन बनता है, तो ये एवरेज ज़्यादा होती जा रही है. और YouTube का जो है वो तो ऑटो पायलट है, आपकी वीडियोस पड़ी हैं वो लोग देखते जाते हैं, रोज़ाना के 7-8 हज़ार व्यूज़ हो जाते हैं, तो वो चल रहा है. उसमें मुझे अगर मैं जितनी वीडियोस ज़्यादा डालता हूँ वो व्यूज़ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं. वो अपनी वीडियोस खुद बनाते हैं जी, रैंडम वीडियोस हैं, कोई ख़ास नीच पे या किसी ख़ास फील्ड पे मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई. वैसे मेरे पास पेट्स बहुत ज़्यादा हैं, पेट्स की वीडियो बनाई, उठा के डाल दी, वो चल रही है. उसमें मेरा कोई इतना ख़ास वो नहीं है, लेकिन वो एक टेक्निक है जो उसको रैंकिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा किया है. 2-4 वीडियोस रैंक हुई हैं. और सवाल ये था कि आप लोग जो डब्बे के सामने बैठने वाले लोग थे, इस कमरे में बैठ गए, पहली बात तो इनके लिए ताज्जुब था एक से, कि लोगों को शिकायत होती ना सारा दिन फेसबुक पर बैठे रहते हो, क्या जिंदगी है, कोई ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अब आप आगे असली लोगों में बैठे, हमने कोई फेसबुक बैठा हुआ नहीं खेल रहा, एक दो लोग खेल रहे होंगे लेकिन फिर भी बट बैठे तो डरे. सवाल इनका ये है कि आप आज तो यहाँ तक आ गए, आप अगले 2 साल में इस ग्रुप को कहाँ देखना चाहते हैं, या क्या होगा इसका, क्या होने वाला है इस ग्रुप्स का? ये होगा कि अगर हम जैसे नेटवर्किंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो आपको आपकी माइंडसेट के लोग मिलते हैं, और आप उनके साथ बैठ के जब आप 2-3 बंदों से ऐसे जो आपके सिमिलर माइंडसेट रखता हो, आप अगर उससे मिलेंगे तो आप ज़रूर कोई प्रोडक्टिव चीज़ बनाएंगे. जैसे कि अभी हमने पिछले साल एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है KMW ट्रेडर्स के नाम से, वो मैं हम 3 दोस्त हैं, एक एसोसिएशन ऑफ पार्टनर्स है जो रजिस्टर्ड फर्म है. वो तीन दोस्त मेरे आउटसाइडर दोस्त हैं, फेसबुक के दोस्त हैं, वो पहले से दोस्त हैं, लेकिन वो इंस्पिरेशन तो 2 साल पुराने दोस्त हैं. वो मेरे फील्ड के हैं, वो SCCA कर रहे हैं, तो वो साथ में हम थे, तो हमने एक ट्रस्ट का डिवेलप, मैं अगर उन्हें नहीं जानता तो शायद कभी हम स्टार्ट ना करते. ट्रस्ट डिवेलप हुआ है उनसे, 2 साल हमारी दोस्ती हुई है, 2 साल आना जाना रहा है, चाय खाना साथ किया है, तो आज हम इस लेवल पे पहुंचे कि आज हमने एक लीगल
पार्टनरशिप फर्म हमने डेवलप की है जो कि सियालकोट में ऑपरेट करती है। हम ये सीजर्स बनाते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स और लेदर प्रोडक्ट्स और ये स्पोर्ट्स के जो वेयरिंग्स हैं वो हम बनाते हैं। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, अभी बर्लिन में हमारा एक दोस्त है जो हमें यहाँ से इंपोर्ट करवाता है पाकिस्तान से, तो वो अभी स्टार्टअप है। मैं तो अभी नया आया हूँ क्योंकि वो लोग पहले नहीं थे, काम कर रहे थे लेकिन वो उनका कोई खास विजन नहीं था। तो क्योंकि मेरा एक दोस्त लॉयर है तो उसके पास मैंने जाके, टैक्स कॉर्पोरेट का लॉयर है, उससे मैंने जाके फर्म का रजिस्ट्रेशन सारा कुछ सीख के उनको बिठा के मैंने रजिस्टर करवा दिया। हमारे 20,000 भी नहीं लगा, 20,000 के अंदर हमने एक फर्म को लीगल स्टेटस दे दिया। तो अभी उसकी वेबसाइट भी बन गई है। अगर ये है कि आप कम्युनिकेशन करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, अगर मैं आपसे मिलता हूँ, आपका मेरा माइंडसेट बनता है और हमारा किसी एक चीज़ पे जाके इत्तेफाक होता है कि जैसे आप, अगर आप और मैं सीखते हैं, अगर आपके पास, अगर मुझे ब्लॉगिंग सीखनी है आपसे, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा, आपसे सीखूँगा, आपसे सवाल जवाब करूँगा, आप सीखोगे, आपसे सीखूँगा, और अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आप मुझसे ज़रूर सवाल करोगे कि भई अगर ये बंदा इस लेवल पे। दूसरी एक बात है कि अगर आप अपने अमीर होना चाहते हैं या आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को जमा कर लें जो उस लेवल के हो। मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अगर आपने, आपके इर्द गिर्द लोग करोड़पति हैं तो 2-3 साल बाद आप भी करोड़पति हो जाएंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि गैदरिंग से आप सीखते हो। जाहिर है एक दोस्त है वो तो ये नहीं चाहता होगा कि मेरा एक दोस्त बहुत ज़्यादा गरीब है और मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, या एक दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है और मैं नहीं कर रहा। आप उसको खींचोगे क्योंकि दोस्त का एक दूसरे के ऊपर एक हक होता है, एक जताना होता है, वो उसको मायल कर सकता है जो काम वो करना चाहता है। तो 2 साल बाद आप खुद देखें कि अगर आज यहाँ पे 200 लोग बैठे हुए हैं, 2 साल बाद यहाँ पे 200 कंपनीज शायद बन जाएँ, 200 लोग ऐसे होंगे कि जो आज शायद इससे डबल स्टेटस कमा के बैठे हों। तो यही है, आप जैसे कोई बहुत से लोग नए आए जिनको पता नहीं होगा ऑनलाइन अर्निंग का या मार्केटिंग का, तो वो जाएंगे फेसबुक पे जाके आज ऐड करेंगे सबको और वो सीखेंगे। पैसे किसी को कमाना बुरे तो नहीं लगते, हर बंदा कहता है कि मैं ज़ीरो हूँ तो कल को $1,000 $2,000 तो वो शुरू करेगा, किसी ना किसी जगह से वो बंदा शुरू करेगा। तो ब्लॉगिंग के लिए तो सवाल करूँ एक बार, ये मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहती हूँ कि एज बीइंग सोशल वर्कर जितनी चेंजेस आती हैं, ठीक है, हम साथ मदद भी कर रहे होते हैं लोगों की, तो उसके लिए क्या आप बताएं कि हमें कितनी मोटिवेशन की जरूरत होती है? खुद भी लिफ्टअप हो रहे होते हैं, हम खुद भी फ्रॉम द स्क्रैच हो रहे होते हैं और दूसरों को भी साथ हाथ पकड़ के जैसे रेहान भाई हमें भी खींचते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है माशरे में? देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि कोई एक बंदा अगर आगे जाता है तो दूसरे उसकी टांग खींच के नीचे उसको वापस गिराना शुरू कर देते हैं, लेकिन लोग ये बात नहीं समझते कि जब एक बंदा एक माशरे से ऊपर जाता है तो अपने साथ बहुत से लोगों को, उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करता है। अगर हम में से कोई पॉलिटिशियन बनता है तो उसके इर्द गिर्द के जो दोस्त हैं, जो प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे। और अगर आप बहुत से अच्छे लोग देखें जो आज किसी जगह पे हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप उनके दोस्तों को देखें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने दोस्तों के इन्वेस्टर्स वही लोग होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए, एक दूसरे को ग्रो करने कर लेना चाहिए, कहीं ना कहीं पे जाके आपको फ़ायदा हो जाता है। तो जवाब इनका दे देता हूँ, और आप में से शायद ज़्यादातर को मेरे जवाब समझ में ना आए और या आप एग्री ना करें, जवाब इसका ये है, शायद आपको भी एग्री ना करें, इट डजंट मैटर, राइट। जवाब ये है कि देखें, हमारे दुनिया में एक जगह है उसका नाम है सिलिकन वैली। अमेरिका के अंदर सिलिकन वैली एक ही जगह है, और ह्यूस्टन भी है, न्यूयॉर्क भी बहुत बड़ी जगह है, बॉस्टन भी बहुत बड़ी जगह है, ये भी बहुत फिरे हैं, मैं भी बहुत फिरा हूँ। एक ही जगह है जहाँ से इतने सारे कीड़े पैदा हो रहे हैं ना, गूगल भी वहीं से आ रहा है, फेसबुक भी वहीं से आ रहा है, सब चीज़ वहीं से आ रही है। वो क्यों आ रही है, कभी आपने सोचा है इसके ऊपर? आप मुझे नहीं मालूम कि जितने ने सोचा है नहीं सोचा, मैंने बहुत सोचा इसके ऊपर, और उसकी वजह यह कि वो एक ओपन माशरा है। उस माशरे के अंदर जो टॉलरेंस नहीं है बल्कि एक्सेप्टेंस है, आइडियाज़ की शेयरिंग होती है, छुपाना नहीं होता। और अमरीका खुद बहुत दफ़ा कॉपी करने के बावजूद सिलिकन वैली को कॉपी नहीं कर पाया, यानी सिलिकन वैली है, सारे लोग कॉपी करते हैं, ऑस्टन नंबर 2 है, शायद बॉस्टन नंबर 3 होगा, या आपस में एक दूसरे पीछे चलते हैं, लेकिन वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे।
میرا کاروبار میں نے شروع کیا امریکہ میں 1999 میں. مجھے 2003 سے میں امریکہ سے واپس آ گیا. میں امریکہ گئے بغیر میں نے بزنس انکارپوریٹ کری, کام کرتا رہا. 2003 میں واپس آ گیا. اس کے بعد مجھے 11 سال تک امریکہ میں ویزا نہیں کیا. میں نے اس بزنس کو فرام نتھنگ ٹو $1 million کریٹ کیا بغیر گئے. اب میرے سکھانے والے کون تھے؟ فیس بک آیا 2004 میں. میں نے فیس بک کے اوپر جا کے اچھے اچھے لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. اے ویل کا فاؤنڈر اسٹیو وازنیاک, یو نیم ہوز ہو آف دا ورلڈ میں نے جمع کر لی, بیکاز آئی تھاٹ کہ سلیکن ویلی از ویئر ایوری تھنگ از ہیپننگ. سو وٹ آئی اسٹارٹڈ ان مائی آفس, میں نے لوگوں کو بھی یہی کہا کہ آپ میرے گورے دوست رہتے ہیں نا, ان کو اپنا فرینڈ بنائیں, تاکہ پھر آپ ان کو سمجھ سکیں وہ کیسے سوچتے ہیں, تاکہ آپ ان کو انٹرٹین کر سکیں. اگر آپ کا آپ یہاں چائے بیچ رہے ہیں اور آپ چائے یہاں پہ جو بیچ رہے ہیں وہ انگلینڈ کی چائے کو سرو کریں گے, تو یہاں پہ کوئی بھی چائے نہیں پیے گا. تو جس معاشرے میں کام کرنا ہوتا ہے اس معاشرے کے حساب سے سوچ بھی جاری ہوتی ہے. لیکن ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی سوچ کہاں کی ہے؟ اگر کوئی منڈی بہادین کا ہے تو منڈی بہادین کا ہے, اگر کوئی لاہور کا ہے تو لاہور کا ہے, اگر گجرات کا ہے تو گجرات کا ہے. تو میں نے ایک ایکسپیریمنٹ لاسٹ ایئر شروع کیا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی میرے 500 دوست کاپی میرے چوری کر لیتا ہے تو اس کی زندگی پر فرق کیا پڑتا ہے. یہ میں نے ٹیسٹ کرنے کے لیے کام شروع کیا. اس سے پہلے میرا کام میں نے بنایا اپنی ذمہ داری کہ میں ایک آنٹرپرینور ہوں, مجھے آنٹرپرینورشپ آتی ہے, مجھے اور کچھ نہیں آتا, مجھے بغیر پیسوں کے بزنس کرنا آتا ہے. تو وائی ڈونٹ آئی ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے بزنس $100. میں نے سکھانا شروع کیا, کچھ یہ نہیں ہوتا. ابھی تک میں نے یار یہ بڑی مصیبت ہے, میں تو سارا دن لگا ہوں لوگوں کو کہہ رہا ہوں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو, وہ تیار نہیں ہو رہا تھا. مائی گول واز ٹو کریٹ اے ملین آنٹرپرینور. Why I am million? Because .com کی دنیا سے میں آیا تھا, اس میں ملین کوئی بڑا نمبر نہیں ہوتا, چھوٹا سا ہی ہوتا ہے. ملین یوزر تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. بائی دس ڈوئنگ دس ایکسپیریمنٹ لاسٹ ایئر, وٹ آئی وانٹیڈ ٹو سی کیا ہمارے لوگ بڑے تھنکر بن سکتے ہیں. ہمارے لوگ اگر بڑے تھنکر نہیں سوچیں گے بڑا نہیں تو اچھی بڑا کہاں سے کریں. اگر ایک ان کی زندگی کی خواہش میں 1 crore روپئے کما لیں, جیسے جس نے میکڈونلڈ فاؤنڈ کیا تھا اس کی زندگی کی خواہش تھی ان دو بھائیوں کی, میکڈونلڈ بردرس کی, کہ صرف $1 million کمانے. تو رے کراک کو انہوں نے کہا جی ہمیں $1 million دے دو تم جاؤ. اب رے کراک نے میکڈونلڈ بنایا, جو میکڈونلڈ بردرس تھے انہوں نے نہیں بنایا. تو ان کی خواہش ہی چھوٹی تھی تو انہوں نے کام اچیو کیا. تو ہماری خواہشات کتنی بڑی ہیں. کیا ہم ستاروں پہ کمن ڈالنا چاہتے ہیں یا ہم بس یہاں پہ لبرٹی چوک تک جانا چاہتے ہیں, کہاں تک جانا چاہتے ہیں؟ تو میرے ایک ایکسپیریمنٹ یہ تھا, آئی وانٹ ٹو سی کہ لوگوں کی زندگی پہ فرق کیا پڑتا ہے. اینڈ 3 مہینے کے بعد پہلا بچہ ایک آیا, اس نے کہا کہ میں نے یہ کام کر لیا. شاید وہ عابد تھا یا اور کوئی لڑکا تھا. ایک آیا پہلا, یہ آپ تو سیکنڈ یا تھرڈ تھے. بابر پہلا تھا, میرا نہیں خیال بابر پہلا تھا. بہرحال آپ اگر کہہ رہے ہیں تو وہی ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد سے آج میرے اس جنوری لاسٹ 2015 میں میرے پاس ایک آدمی تھا صرف میرے آفس میں کام کرنے والا, جو میری طرح سوچتا تھا. میں کہتا تھا ایسا کر, میں پھر ایسا تو کوئی وہ کر لیتا تھا. اس کو میری بات یوں سمجھ میں آتی, اشاروں پہ میں کام کراتا تھا. پھر میں نے کہا اچھا. پھر وہ ایک اور آیا, اس کو میری بات سمجھ آنے لگی. پھر ایک اور آیا, اس کو سمجھ یعنی تو کوئی چکر ہے, یعنی کہ اس کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کام کرنا ہے اس کو آپ کی بات سمجھ میں آئے. اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ نہیں چلیں. سو آئی کیپٹ آن ڈوئنگ دا ایکسپیریمنٹ اینڈ آئی فاؤنڈ میں جب بھی انٹرویو کرتا میں نے دیکھا لوگوں میں چینجز آنا شروع ہو گئے. لوگ اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے, اپنے ککون سے باہر آنا شروع ہو گئے, اپنے شیل سے باہر آنا شروع ہو گئے, اپنے بلوں سے باہر آنا شروع ہو گئے, جو کہ ایجوکیشن کا پرپز تھا. تو اب اچھا, نہ کہ یہ کہ صرف وہ, بلکہ آپ اگر ہر آدمی جس کو ہم نے میجر کیا فرام 400% ٹو 4000% اس کے ایمبیشن بڑھنا شروع ہو گئے. کیوں؟ ان کے دوست بن بن گئے. ان کا دوست ہم جب ملے 3 مہینے پہلے, ان کے میرے میوچل فرینڈ تھے ہی نہیں. Exactly. انہوں نے بنانا شروع کرے تھے شروع میں کبھی ان کو جانتا نہیں تھا. 30 تھا. انہوں نے وسٹی وازنیا کو اپنا دوست بنا لیا, اس کے 5 million فالوور ہیں. ہاں کیسے بنا لیا بھائی؟ اب ان کے ایمبیشن ذرا پوچھیں ذرا کیا ہیں. صرف 3 مہینے کے بعد ان سے ان کے ایمبیشن صرف پوچھیں. تو میں نے بغیر ملاقات کرے مجھے ایک ایسا جادو کی چڑیا مل گئی ہے جس کے ذریعے آپ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ آپ بڑے آدمی بنے. پہلے تو ہمارے لوگ چاہتے ہی نہیں. پھر یہاں پہ لمس کے بچے نہیں ہیں, یہاں پہ بالکل غریب مفلس ایسے گھروں کے لوگ ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا کام اپنے علاقے میں کر سکتے. چاہے وہ چمن ہو, یہ مدیاں ملیں, مدیاں وہ سوئسائڈل تقریباً جب یہ مجھے ملی. ان کو میں نے ادھر انٹروڈیوس کیا ادھر انٹروڈیوس کیا, ابھی تو یہ ماشاء اللہ سپر اسٹار بن گئی ہیں.
और ये जाके मुल्तान से निकल के चमन में इन्होंने शादी कर ली, तो मान लो क्या, मैं तो परेशान हो गया, ये भी यही सिस्टम हो रहा है। सर नहीं आ सके थे और मैं वहाँ थी और मैं अकेले ट्रैवल भी करती थी, तो ये कहते थे कैसे, और एक वक्त ऐसा था कि मैं रो रही होती थी, और दुबई जब मैं गई थी मुझे बहुत हेल्प किया, फिर भी मैं रोती रहती थी, मुझसे नहीं कुछ होगा, मैंने नहीं करना, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, और अब मैं इतने वेंचर्स खुद ही कर रही हूँ। तो चेंज आ जाए, दो साल बाद क्या होगा, ये जो रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, हम बिजनेस उसके साथ करते हैं जिसके साथ ट्रस्ट होता है, ट्रस्ट डेफिसिट है हमारे मुल्क में, हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते क्योंकि हमारे साथ इतनी चोटें लगी है। जैसे अगर हमें ऐसी खोलनी है तो पुराना बैकग्राउंड चेक करें, अब हमारे पास फाइका स्कोर नहीं है, हमारे पास दूसरी एजेंसीज नहीं है, हमें पता हो कि एक्चुअली बंदा कौन है, क्या इसका बैकग्राउंड क्या, तो हम थोड़ा उधार देते हैं, फिर थोड़ा उधार देते हैं। एक आदमी आपसे 10 रुपये उधार मांगेगा, आप खुद ही सोशल दे देंगे, 10 लाख रुपये मांगे तो भाई आप शक्ल देंगे उसकी, 10 लाख रुपये तो आप कैसे 10 लाख रुपये पहुँचेंगे, पहले 10 वापस करेंगे, फिर 20 देंगे, फिर 20 वापस करेंगे, इसी तरह बैंक की क्रेडिट बनती है। बिल्कुल इसी तरह ट्रस्ट इंसानों का भी डेफिसिट जो है ना वो क्रिएट होता है, जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे आपके रिलेशनशिप्स, वैसे वैसे आप मजीद मज़ेदार चीज़ें करेंगे। और अभी जैसे सना की रिलेशनशिप डेवलप हो गई लीसा के साथ, मेरे साथ जो मेरी जो दोस्त थी, मैंने उसके साथ बिजनेस का इनकॉर्पोरेट किया था क्योंकि वो मेरी सिर्फ दोस्त थी, मेरी शादी पे आई, मेरे साथ उसकी दोस्ती थी, हम रोज़ दिन में 3 दफ़ा बात करते थे। जब मैं अमेरिका गया, मेरा सारा ख़ानदान वहाँ रहता था, तो मैं उनसे बजाय अपनी दोस्त के साथ बिज़नेस स्टार्ट करना पसंद किया, मैंने अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर देना, जरा मुझे वो बिज़नेस खोलना, ये ट्रस्ट था। तो मेरी ख्वाहिश ये है कि जब अब एक मंडी बहाद्दीन का आदमी का फेसबुक पे अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं, हाउ विल ही स्टार्ट अ बिजनेस? So what I am doing a jugaad for creating a community which can think big, has a resources to sabke common ho gaye na, YouTube aur internet, Google ke aane ke baad resources Silicon Valley ka bhi wahi hai, knowledge ka resource, information ka resource wahi hai, but again network ka resource, aap business uske sath karte hi nahi hai America mein, aap chahe America ho chahe wo Pakistan ho, handshake ke bagair business nahi hota। To yahan pe kya ho raha hai, अब मैं अमेरिका गया तो मैंने क्योंकि 8 साल से फेसबुक पे लोग जमा कर रहा था, मैंने जाके जिस शहर में जाता था बंदे ढूंढता, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट से मिल रहा हूँ, फलाने से मिल रहा हूँ, तो तुम वो कौन, ये 7-8 साल से हम लोग फेसबुक पे कनेक्टेड है लेकिन मैं जानता नहीं हूँ तुम्हें, लेकिन उसने मीटिंग दे दी, क्यों यार, ये मेरे साथ 8 साल से कनेक्टेड है, कोई तो होगा, देखो तो सही। तो ये रिलेशनशिप का फ़ायदा होता है। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास करोड़ों रुपये नहीं थे आप सबको बांटने के लिए, तो मैंने अपने अरबों डॉलर के दोस्त आपको बांट दिए, और वो दोस्त आपको अरबपति बना सकते हैं। कैसे? आप उनके साथ पार्टनरशिप्स क्रिएट करेंगे। अभी आपको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि आप होगा क्या, तो 2 साल बाद क्या होगा कि ये जो मेरा नेटवर्क, मेरे गोल है कि मेरा ख्याल है इस साल के एंड तक मेरे पास 500 लोग जमा हो जाएंगे, जो 500 लोगों को जानते होंगे, जैसे आप लोगों में से यहाँ पर शक्लें देखें दूसरे की तो जानते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मैं पहले से बोल रहा हूँ, काब इधर आओ, फलाना इधर आओ, ऐसे बोल रहा हूँ जैसे यार ये मेरा छोटा भाई है, क्योंकि मैं उसको रोज़ देखता हूँ, उसको मैं रोज़ देखता हूँ, तो मैं रोज़ देखता हूँ, तो मेरा उसका रिलेशनशिप रिश्ता हमें, हमारा रिश्ता ऐसा हम मिलते नहीं, तो वो रिश्ते के बेसिस पे हम कारोबार करते हैं, बिजनेस अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और हम जब अपने माशरे की वीडियो, उसके बाद मैं कहता हूँ वीडियो बनाओ, वीडियो क्यों बनाओ, जैसे क्योंकि हम विजुअली जो चीज़ समझा सकते हैं, मैं अगर इस जगह की फ़ोटो खींच के लगाऊँ तो ये न्यूयॉर्क भी हो सकता है, ये सिलिकन वैली भी हो सकता है, ये रवांडा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं रोड पे चला गया फौरन पोल खुल जाएगा कि यार ये जो है ये लाहौर भैया जो भी जगह है, तो वो पोल खुलाना है जाके वो हमें बाहर से देखने वाला गाइड कर सके, ओ ये प्रॉब्लम हमारे पास 50 साल पहले था, हम इसको ऐसे ऐसे करें ये ठीक हो जाएगा, दैट्स ऑल। मतलब आप नमक डालते हैं किसी चीज़ पे तो टेस्ट बदल जाता है, नमक इतना सा चाहिए होता है, लेकिन हमें वो गाइड करने वाले जो लोग होते हैं वो वही हम उनसे किससे, अब वो रिक्शे वाले चलाते हैं तो उनके सारे दोस्त रिक्शे वाले ही हैं ना, ज़्यादा टैक्सी वाले होंगे, कोई करोड़पति तो दोस्त नहीं है ना, होता तो अब तक बता दिया था यार ये क्या कर रहा है तू, ऊबर पे डाल रिक्शे को। सो अब उसका, अब मैंने क्या किया, मैंने हर एक के लिए खोल दिया ऑप्शन कि वो आप कोई मंगी है जमादार है नो प्रॉब्लम आ जाए मेरे देव स्टोरी कर ले। अब एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, उसको क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ का भंगी है, यहाँ वाले को बड़ा फ़र्क पड़ता है कि मैं भंगी से दोस्ती नहीं करूँगा, यहाँ वाला दोस्ती नहीं करता। तो मैंने क्या कहा, भाई आप भंगी हैं कोई बात नहीं, आप वहाँ से दोस्ती कर लें, उसको तो नहीं पता, चले आप रवांडा के भंगी से दोस्ती कर लें, कुछ तो फर्क आएगा आपको, तो आप करें ना, आप रवांडा में भंगी से आप भी कर लेंगे दोस्ती, रवांडा का भंगी है यार वहाँ पे, हमने वहाँ से जाना, नो कि क्या होगा।
सो वो जो पार्टनरशिप्स क्रिएट होंगी और इतना चेंज आ रहा है कि मुझे इट्स ही इम्पैक्ट आप समझ रहे हैं कि नहीं आ रहे आई कैन सी फ्रॉम सिटिंग यू नो हाई अप आई कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन इट्स लाइक अ गेम आई एम प्लेइंग बट इट्स रियली रियली अमेजिंग के जस्ट बाय टॉकिंग वी ओपन अप सो मच वी यू नो वी बिकम लाइक अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग और एजुकेशन यही होती है कि हम किसी की किताब पढ़ते हैं ना उसकी थॉट्स अपने अंदर लेते हैं सिंक करते हैं उसको समझते हैं और फिर उस पर रिएक्ट करते हैं जी और आप इंस्टीट्यूशन जो बोल रहे हैं मैं तो जेब में हूँ हर एक हर वक्त तो आप मुझे बिल्डिंग में क्यों बुलाना चाहते हैं मैं तो चाहता हूँ इंस्टीट्यूशन को ख़त्म कर दीजिए आप तो बनाने की बातें कर रहे हैं मेरे नज़दीक तो स्कूल मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते रियली जी रियली तो मैं अपने बच्चों को नहीं भेजता दूसरे बच्चों को ला दूँगा तो इसलिए नहीं भेजता कि स्कूल शुड बी तरबियत का नॉट इन्फॉर्मेशन फैक्ट जो कि हम ये आप रट के आ जाएँ या एग्जाम में ये आने वाला है आप पास हो जाएंगे दैट्स नॉट व्हाट आई वुड लाइक टू डू सो दैट इज़ द आंसर टू लॉन्ग आंसर टू योर क्वेश्चन इसका आंसर का जवाब मुझे भी पता नहीं है कि सही है गलत है बट कोशिश है कि ये ख्याल है कि अब इसी क्वेश्चन को एक अलग वे में आप दो साल बाद कितने का प्रोड्यूस करेंगे मेरा गोल 500 का Exactly. मेरा गोल 500 लोगों को फ्री सामान बांटने का मैं 300 बांट चुका हूँ लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स एंड बाय गिविंग दिस अवे मैं शुरू में लाना चाहता जैसा डिग्री में आप देखें लोग बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये गलत ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को धंधे में लगा रहे हैं अरे भाई यूनिवर्सिटी किस लिए जाता है वो कागज़ के लिए जाता है पढ़ने तो कोई नहीं जाता 2% पढ़ने जाते हैं 98% कागज़ के लिए जाते हैं ठीक है तो 2% जो है मैं उनको कहाँ से छांटूँ तो दिस इज़ अगेन आई वुड लव टू मैंने अभी मेरा अब मेरा अपना कॉन्सेप्ट यह है कि 500 दोस्त बना लो मुझसे तो मोबाइल ले लो 1200 बना लो लैपटॉप ले लो 1500 बना लो मेरे साथ पार्टनर बन लो क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी इतनी चेंज हो चुकी होगी जब तक कि मैं कहूँगा यार खुशी से मैं ये ले पेरे मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर ये लो पैसे चलो बिजनेस स्टार्ट करो सो दैट्स व्हाट आई वांट टू डू आई हैव अ वेंचर फंड आई वुड लव टू पार्टनर विद हिम आई वुड लव टू पार्टनर विद यू आई वुड लव टू पार्टनर बट आई हैव क्रिएटेड अ प्रोसेस फॉर लर्निंग जस्ट लाइक अगर आप किसी को आप अगर बैंक का मैनेजर लगना चाहते हो कहेंगे यार इधर एमबीए तो करके आओ तो आप वो मैट्रिक पास को आप नहीं दे सकते क्योंकि उसको आता ही नहीं उसको समझ ही नहीं आएगा वो पता नहीं क्या कर रहा है कस्टमर सो दिस इज माई वे ऑफ प्रोड्यूसिंग आउटलायर्स आई डोंट नो इफ यू हैव रेड द बुक और नॉट यू शुड डेफिनेटली रीड आउटलायर्स सो यू बिकम एन आउटलायर इन योर फील्ड Kareem's and all those Kareem went guy went to Stanford you know spent crores and crores of money maine 2 saal mein mujhe 300 log mil gaye IBI Karachi ne apni zindagi mein 2500 log produce kiye maine 2 saal mein 300 outliers mere nazdeek outliers jitne bhi she's an outlier is amazing outlier in their own field and I'm not choosing their field for them because that's not the purpose mere 6 bachche hain 6 ke 6 alag design ke आपके घर में बच्चे होंगे भाई होंगे सब अलग अलग डिज़ाइन के होंगे ना एज इन एक कुछ किस ऊपर एक कुछ का कुछ ही पसंद आता होगा एक को बिरयानी पसंद होगी एक को कुछ और खाने को पसंद होगा एवरीबडी इज़ डिफरेंट व्हाई डू वी आस्क एवरीबडी टू बिकम सो दिस प्रोसेस अलाउज यू टू फाइंड योर सेल्फ और शम्स तबरेज़ को अगर आपने किसी ने पढ़ा है तो उनका उनका तरीका था उन्होंने कहा आप 2 साल के अगर मैं इनके लिए मैं सफ़र पर निकला घूमा लोगों से मिला मुझे खुदा भाई खुदा को ढूंढने निकला था मुझे खुदा तो नहीं मिला मुझे अपने आप मिल गया ये अपने आप को ढूंढने का एक प्रोसेस है आप अपनी खुद एतमादी बढ़ाएंगे आप अपने ऊपर काम करेंगे तो ही चेंज आएगा तो रूमी का कॉल है पहले मैं बहुत अक्लमंद था सारी दुनिया को बदलने की कोशिश करता फिर थोड़ा सा विजडम आ गया तो अपने ऊपर काम करना शुरू आई एम जस्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ दिस इज माई गेम आई एंजॉय दिस सो इफ यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी फाइन इफ यू डोंट दैट्स फाइन ऑल्सो आई हैव नो प्रॉब्लम वो लोग आते हैं गाली देते हैं छवि दे लें खुश हो गए ठंडा हो गया अभी 2 और दे दें नहीं यार बस काफ़ी है ठीक है वो अच्छे दोस्त बनते हैं आई मीन काब आई थिंक गाली वाले में थे खुर्रम शहजाद हैं गाली देते थे खुशी होती है ये भी थोड़ी सी दे देते हैं इंशाल्लाह ये इसी भी अच्छी दोस्ती हो जाएगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको ठंड पड़ती है गाली देने ठीक है दे लें ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने की प्राइम मिनिस्टर बनने की रिक्वायरमेंट नंबर 1 मेरे नज़दीक है कि आप आधी पॉपुलेशन की गाली सुन सकते हो 100 मिलियन गाली आप नहीं खा सकते तो आप फिक्स के नहीं आप तो पहले ही गुस्सा हो जाएंगे तो आप वोट कहाँ से लेंगे सो इफ़ यू कांट वर्क कंट्रोल योर सेल्फ देन हाउ कैन यू आस्क अदर पीपल टू चेंज दूसरों को कैसे आप चेंज करें अपने ऊपर काम करें एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल वे ऑफ वर्किंग ऑन आवर सेल्फ
اسی لیے میں کسی سے بات بھی نہیں کرتا, میں کسی کو سمجھاتا بھی نہیں ہوتا. ایک پہلے 500 روپے تو جب تک وہ کر کے آتا ہے وہ میرا کام ہی مل جاتا ہے. ایک لڑکا تھا جنید نذیر, آپ میں سے بہت سارے کے پاس ایڈڈ ہوگا, وہ میرے پاس اس کے ٹیچر آئے, ہم مشرف کے ایک ایونٹ میں گئے تھے, ان کے ٹیچر آئے, سر یہ بڑا زبردست بچہ ہے آپ اس کو ایک گھنٹہ دے دوں. میں نے کہا میں ایک گھنٹہ اپنے بچوں کو نہ دے دوں اس کو بھی نہیں. تو وہ بڑا اس کے بال یوں کھڑے ہوئے, داڑھی یوں ہے, ڈر گیا یار یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, اس کو سمجھانا مشکل ہوگا, سخت پتھر ہو نا اس پہ کیا ہوگائیں گے آپ. تو میں نے کہا اچھا, بڑی تعریفیں کر رہے تھے, میں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک ٹاسک دیتا ہوں, اگر تم یہ کر لیا تو میں پھر تمہیں میں ایک گھنٹہ دے دوں. کہتے سر آپ حکم کریں اس میں, اچھا میرے 500 انگریز دوست چوری کر کے آ جاؤ, ان کو اپنا بنا لو, پھر مجھے میسج کرنا, میں تمہیں گھنٹہ دے دوں. سر ٹھیک ہے, میں اچھا ادھر آرام سے مان گیا. خیر جی وہ لڑکا 2 مہینے کے بعد میں نے دیکھا ایک لڑکی کی ویڈیو آ رہی ہے, گوری تھی, بلغاریا کی, وہ اس کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے ایک سوسائٹی بنائی ہے پاکستان میں اور یہ ہے, اور وہ میں بیلجیم کی ڈائریکٹر ہوں, بلغاریا کی ڈائریکٹر میں ہوں. کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں, تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی, وہ بھی بالکل اخروٹ قسم کی لڑکی تھی. خیر جی اس کی ویڈیو میں نے جا کے دیکھا تو وہ اسی جنید کی دوست تھی. میں دیکھ رہا ہوں جنید صاحب کے 500 کامن فرینڈ ہو گئے. میں نے اس کو میسج کیا, بیٹا تم تو آنے والے, سر مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں, میرا تو سارے آپ کے دوستوں نے کام ہی کرا دیا, مجھے آپ ہی چاہیے. ٹاٹ شے کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ٹاٹ شے کہتا ہے کہ مجھے جنید جیسا کوئی لڑکا نہیں ملا. تو یہ ایک طریقہ ہے اچھے محنت, جس طرح ایم بی اے ایک طریقہ ہے ڈھونڈنے کا, بھائی آپ کو آتا جاتا ہے کچھ تو ہم آپ کو جاب دیتے. تو میرا یہ طریقہ ہے بھائی, فری میں یہی ہو سکتا ہے, ایم بی اے کرانے تو بڑے پیسے لگتے ہیں. تو یہ اس کا پروسیس ہے. آپ کو سوال کر رہے تھے, سلیکون ویلی کی بات کر رہے تھے, تو جو والور میں ایجوکیشن ہے وہ لوگ اپنے بچوں کو والور اسکولس نہیں بھیجتے ہیں, تو بھی کائنڈ آف تربیت گاہ ہی ہے, اس کے اندر ایک ٹیچر 10 سال کے بچے کے ساتھ رہتا ہے. اور اس طرح کی مائی گول آف لائف از کہ ہمارے ملک سے آؤٹ لائرز پیدا ہوں اور صرف سلیکن ویلی جا کے زبردست کام نہ کریں, یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, ہمارے مسئلوں کو ہم ہی نے سالو کرنا ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے اچھے بچے سب ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ گڑبڑ لوگ رہ جاتے ہیں. تو اب جو گڑبڑ لوگ ہیں انہیں سے کام کرانا ہے, تو اب ان اچھا جو بہت ہی غریب ہے اس کو اگر زبردست بنا دیں وہ کہاں جائے گا آپ کے. اور میرا خواہش ہے کہ ہم ملین کریٹ کر دیں, تو کتنے چلو یار ایکسپورٹ کرو نا, بہت لوگ ہیں, 200 ملین ہیں, چلے جاؤ 100-200 ملین میں سے, تو ہم کتنے ایکسپورٹ کریں گے. سو بٹ دس از اسکیلیبل ناؤ, فیس بک از فری ان دس کنٹری رائٹ. جس میں کل پرسوں کھانا بھی کھا رہا تھا تو وہ آگے ایک فقیر آیا اور 4-5 وہ آگے ریسٹورینٹ پہ کام کرنے والے سارے فیس بک چلائے. پھر میں گوادر جا رہا تھا, وہاں پہ وہ پتھروں کے کام کرنے والے لڑکے تھے, سب فیس بک تھے, 5 میں سے 4 فیس بک چلا رہے تھے. حد ہو گئی. تو ہمارے یہاں پانی نہیں, بجلی نہیں, فیس بک چل رہا ہے, تو کم سے کم اس کا فائدہ تو اٹھا لیں کہ اس کو ہم ایز اے ڈسرپٹر یوز کر لیں. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ اف اٹس پاسبل, اینڈ ناؤ آئی نو اٹس پاسبل, اینڈ آئی وڈ لائک ٹو اسکیل اٹ. اگر آپ کسی کے پاس کوئی آئیڈیاز ہو, صرف 500 دوست بنانے سے کیا ہوتا ہے, اب آپ اگر ہم رکشے والے بھائی کے 500 کروڑ پتی دوست بنا لیں, یا وہ روز صرف کروڑوں پتی والے کو ڈرائیو کر دیں, پیچھے آگے کان لگا کے تو سن رہے ہیں نا, یا یہ آپ بابو جی کھڑے ہو دیکھیں نا, ان کے یہ ڈرائیور ہیں, تو یہ بھی کیسے نظر آ رہا ہے نا کہ ان کے ڈرائیور ہیں. تو جو سنیں گے وہ آئنسٹائن کی کہانی آپ نے تو سنی ہوگی, آپ نے سنی آئنسٹائن کی کہانی؟ آئنسٹائن بھائی ایک دفعہ تھکے تھے یا گئے نہیں تھے کہیں, تو وہ جا کے نا پیچھے بیٹھ گئے اور آئنسٹائن کے ڈرائیور کو کہا یار ذرا تو جا کے لیکچر دے. بڑے لوگ خوش. تو کسی نے سوال کر لیا, جب سب لیکچر ختم ہو گیا تو ڈرائیور صاحب نے ایک سوال کر لیا, ان کو آتا نہیں تھا, میں نے کہا اتنا آسان سوال آپ تو یہ ڈرائیور سے پوچھ سکتے ہیں, آئنسٹائن بتا دیتے ہیں. تو دیٹس واٹ ہیپنس کہ اگر اف یو سراؤنڈ آور سیلف, اگر ہم صبح شام بل گیٹس کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکتے, تو ہم کم سے کم ان کو اپنے فیس بک پہ ایڈ کر کے ان سے ان کے چرنوں میں جا کے تو سیکھ لیں. سر میں بھی کئی دفعہ لیکچر دیتا ہوں نا, تو یہ بیٹھا ہوتا ہے, تو میں نے اس سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ انٹیگریٹی کا معنی کیا ہے, تو سب چپ ہو, یہ کہتا ہے سر بلند کردار. فنلینڈ, مطلب آپ کو فنلینڈ کا تو پتہ ہوگا, فنلینڈ کے بچے جو ان سے اسکول کے بچے جو ان سے دنیا کے ٹاپرز میں سے ہیں, تو فنلینڈ گورنمنٹ نے ابھی جو اپنا پرائمری ایجوکیشن کا جو ان سا اسکوپ ہے اسے دوبارہ چینج کیا ہے, اور انہوں نے اپنی جو ان سی کتابیں ہیں وہ ختم کر دی ہیں, اور وہ بھی اسی
प्रोसेस के ऊपर चल रहे हैं कि जी के हम लोग जो उनसे हैं वो जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो जो फील्ड चूज़ करना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट बनाना चाह रहा है तो वो उसको उसी फील्ड के लोगों से साथ इंटरेक्शन वगैरह करवाएंगे और उसके पेपर और उसकी केस स्टडीज़ वगैरह उसी से रिलेटेड होंगी. सो दे हैव यू नो स्टॉप प्रिंटिंग बुक्स और वो करिकुलम ही सारा चेंज कर दिए कि किताबें ये ट्रेडिशनल किताबें जो उनसे हैं वो होंगी. लेकिन सर जैसे मैं एक सोशल वर्कर बात कर रही हूँ, यहाँ ज़्यादातर अर्निंग पे बात रही हूँ, सोशल वर्कर के तौर पे मैं सोशल मीडिया को यूज़ कर रही हूँ कि मेरे अखबारों में कहीं मेरा नहीं आता, मैं सोशल वर्कर हूँ सोशल मीडिया उस पे लोग हमें भी हिट करते हैं कि जी जस्ट फेसबुक पे बैठे काम करें. एक दिन फिर मैंने वाजे किया कि मैं सुबह से 4 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ. मैं बलूचिस्तान के एक कबीले को मंडी बहाउद्दीन के कनेक्ट करवा चुकी हूँ मीडिएटर के तौर पर. तो सोशल वर्कर भी एज ए सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव अगर मैं काम कर रही हूँ, आई एम सेटिस्फाइड कि मैं मतलब इसमें ये कि लोग उंगली उठाते कि आप जाते तो नहीं है वहाँ पे, फिर उसका भी सबूत दिया कि चमन बैठ के किया. लेकिन सोशल मीडिया पर जब चेंज आ रहा है, हमें सपोर्ट कर रहे हैं लोग, तो हमें क्या चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर कमिंग. किसी का कोई सवाल रहता है तो एक आई विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन. और आपके अलावा किसी का सवाल सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, हम अपनी आम जिंदगी में तो 500 लोगों से मुश्किल ही मिलते होंगे, बड़े लिमिटेड से लोग होते हैं. आप कहते हैं 500 लोगों को फ्रेंड्स ऐड कर लो और उनके साथ इंटरेक्शन करो, तो ये तो इंटरेक्शन करने वो नहीं कह रहा, सिर्फ फ्रेंड्स ऐड. आपके पास क्या सर? बिजनेस है पेंट्स का. किसका? पेंट्स. पेंट के बारे में मैं आपसे कितना परसेंट सवाल कर सकता हूँ? 20% तो जानते कर सकते हैं ना. तो अगर आप बिल गेट्स के बेटे होते तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में कितने सवाल कर सकते हो? 50% तो 15% 20% कर सकते हैं. इसी तरह आप उनके दोस्त हैं, सिर्फ उनकी न्यूज़ फीड देख रहे हैं तो आप उनके बारे में 5-10% जान जाएंगे, गुलदस्ता बन जाएंगे. एक फील्ड के अंदर सिर्फ रह के आपको कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती हैं कैटलिस्ट के तौर पे अपने फील्ड में एक्सेल करने के लिए. अगर आपकी फील्ड में आप हैं बायो समथिंग जो भी इतना मुश्किल था नाम था उसमें आप हैं और उसमें एक्सेल करना चाहते हैं तो बैंकर्स एंड अदर्स कैन हेल्प यू नॉट डायरेक्टली बट एवरीथिंग इज इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली कनेक्टेड. वी आर ऑल वन, वी आर नॉट सेपरेट. आपका सवाल था जी? सुभान है और मैं मेरा ताल्लुक पुख्तनख्वा के इलाके बुनैद से है. जी सर, तो मैं मेरा सवाल ये था सर कि जो वहाँ की दूर दराज इलाकों से यहाँ पे पढ़ने लोग आते हैं, जो बच्चे आते हैं और यहाँ पे अपनी डिग्री कंप्लीट करके वापस यहाँ से चले जाते हैं, इसी मतलब ये इसको मकसद बना लेते हैं कि मैंने डिग्री ली है और डिग्री की बुनियाद पर मुझे नौकरी मिलेगी और इसके अलावा मैंने और कुछ करना नहीं है, तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है और नौकरी उनको मिलती नहीं है. तो फिर जो उनके वालिदैन, जो और लोगों के वालिदैन होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि जाओ देखो वो फलाना के बेटे हैं, वो उसने वहाँ से पढ़ के क्या कर लिया, यहाँ पे बैठा हुआ है. तो उस सोच को हम कैसे ख़त्म करेंगे कि वहाँ पे जो डिग्री उसने हासिल की है अगर नौकरी ना मिले तो वो अपना एक बिजनेस भी शुरू करें. सही, सीरियसली बता रहा हूँ सर, क्योंकि उसका एक्सपोजर बढ़ जाएगा. एक्सपोजर हर चीज़ का ताल्लुक इल्म से है ना, इंफॉर्मेशन से. अगर आपने नहारी नहीं खाई कभी तो आपको कैसे मालूम नहारी कैसे? तो लेकिन आप दूसरे को खाते हुए देखें, 5 आदमी यहाँ नहारी खा रहे हो तो आपके मुंह में पानी आ गया, ये क्या है, ये लोग भी खा रहे हैं, पहले भी ट्राई करना, अभी चाय वाय शायद आएगी तो भी ट्राई करेंगे. तो एक्सपोजर बढ़ाने की ज़रूरत है. सिर्फ हम यूं होते हैं, एक्सपोजर होता है हमारा बट यूं हो जाता है. बट लोग कमरा बहुत बड़ा, दुनिया बहुत बड़ी, वो फिल्में बना बना के बच्चों के पैसे कमा रहे हैं. बताओ तुम्हारे पास बच्चों की कमी है बनेर में? नहीं. फिर उनकी सबकी वीडियो बना बना के डाल दो पैसे ही पैसे. इससे आप कह यार ये कैसी बातें कर रहे हैं बच्चों की, बट अब ये समझाने के लिए 500 फ्रेंड बना दो. फ्रेंड तो हो जाते हैं लेकिन वो भी आपके आम दोस्त, मेरे पास आम दोस्त नहीं है, आम दोस्त नहीं है. 6000 फॉलोअर्स हैं. होंगे कहाँ के हैं? अच्छा आप कहाँ के हैं? मैं लाहौर से ही हूँ. आपके फॉलोअर कहाँ के हैं? नाइजीरियन कितने हैं उसमें? तकरीबन 50% जो हैं वो यानी कि पाकिस्तान से नहीं है. कहाँ के? वो यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स से. फ्रेंड कहाँ के? फ्रेंड तो पाकिस्तान से. तो फिर फॉलोअर की आपको न्यूज़ की नज़र आती है? नहीं आपको नहीं है जो आप देखेंगे वो बन गया लेकिन हमारे लिए. तो भाई तो आपके अगर अभी उसने बताया अगर आपके 5 बेस्ट फ्रेंड करोड़पति हैं तो छठे आप खुद ब खुद होंगे, आपको कुछ करना नहीं होगा क्योंकि वो आपको जबरदस्ती पकड़ के ना चित्र लगाएंगे इधर से और इधर से कर ये काम. अच्छा
अच्छे दोस्त, अच्छे इल्म वाले, अच्छे पैसों वाले आपको खुद को चेंज कर देंगे। सही है सवाल बताओगे। अच्छा, अब हमारा एक तरीका है, हम लोग कोशिश करते हैं कि सेल्फी सबके साथ ले लें, जाकर पोस्ट करता हूँ, जाके लोग अब दूसरों को चोरी कर लें। तो हमारे पास आप खड़े हों और आप खड़े हों, सबकी पकड़ के सेल्फी। आप वहाँ खड़े हो जाए दूल्हा बन जाए, आप वहाँ दूल्हा बन जाए, आप सबके एक एक सब ने इन तीनों के साथ फोटो खिंचानी है। आपके खिंचे ठीक है, एक दूल्हा उधर चल जाएंगे। तो आप ना मेरे साथ इनके साथ फोटोज खींचने, इन सबको ऐड करना है, क्योंकि ये 3 लाख रुपए कमाना सिखाएगा, वो 30 लाख रुपए ना कमाना सिखाएंगे, और आप ना जाती 30 लाख रुपए ना कमाना। बस तो आप सबसे मिले हैं, जाके आपको कमाना आ जाए, वो आपको अरबपति बनना बता देंगे। तो उसके बाद आप लोग आपस में ज़रूर मिलें, फ़ोटोज लें। कुछ सवाल तो आपके बहन ही, तो छुट्टी का टाइम हो गया आपके बहन। मेरा सवाल ये है कि मुझे आज यहाँ आके बड़ी खुशी भी हुई, और मेरी 65 साल की एज है और 45 साल मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ अपनी मैंने गुजारी। मैं यूथ के लिए, क्योंकि वी हैव टू पे बैक टू आवर यूथ, और उसके लिए मैं सिर्फ 3 मिनट आपके लूँगा। सबसे पहले बेटा, कामयाबी के लिए है कि आप मेहनत करें। मेहनत में अजमत है, मेहनत में बरकत है। मेहनत एक लफ्ज़ है लेकिन इसमें 4 हर्फ हैं, मीम, हे, नून और ते। ये जो मीम है, इससे जब आप मुस्तकिल मेहनत करते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। कुली 10 बैग कैसे उठा लेता है और उसका दिल करता है अभी और दुबई की 2 सवारियां जो है उनका सामान उठा लूं। मजदूर रोज़ा रख के 30 सीटें सर पर रख लेता है, मेहनत कर करके मजबूत हो गया। अब मजबूत होना काफ़ी नहीं है जब तक उसमें हौसला नहीं पैदा होगा। तो हे से हौसला, बहुत मजबूत है, बहुत हौसला मंद हो गया है, नजर करम अल्लाह होगी तो तेज से तरक्की होगी। बेटा, ज़िंदगी में टाइम सबसे ज़्यादा कीमती प्रोडक्ट है। एक दिन में 1440 मिनट आपके पास हैं और 86,400 रुपये आपके अकाउंट में डेली जमा हो जाते हैं। हर एक ने 86,400 रुपये सेम डे खर्च कर दिए हैं, वो कैरेट फॉरवर्ड नहीं होते, यानी 86,400 सेकेंड्स। सेकेंड की भी वैल्यू है, मिली सेकेंड्स की भी अहमियत है। उस रेसर से पूछें जो मिली सेकेंड की वजह से गोल्ड मेडल नहीं ले सका और सिल्वर मेडल ले लिया। एक सेकेंड में आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, और एक सेकेंड में अगर आप किसी ऐसे हादसे का शिकार हो जाते हैं जिससे या अपनी ज़िंदगी हार जाते हैं या किसी दूसरे की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाते हैं। एक मिनट आप ट्रेन लेट हो गए, आपने प्लेन मिस कर दिया, तो एक मिनट की अहमियत आपके सामने है, ठीक है। और उस स्टूडेंट से पूछें जो एक साल जब फेल हो जाए तो उससे एक साल की वैल्यू पूछें। आई सल्यूट अल्लाह वाला। देखें, कौमें कैसे बनती हैं, इनकलाब कैसे आता है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम फरमाती हैं कि इनकलाब कैसे आता है, कि हर इंसान जब खुद अपनी ज़िंदगी में इनकलाब ले आएगा तो फिर इनकलाब ले आए। ये अल्लाह वाला साहब ये इनकलाब की बात कर रहे हैं। इनकलाब ऐसा इनकलाब नहीं है कि जो तब्दीली आने वाली है। मकसद ये है कि अगर आप एक मुफीद शहरी हैं, हमेशा देखें दो हाथ हैं, एक लेने वाला हाथ, एक देने वाला हाथ। देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है। आप जिंदगी का मोटो बना लें कि मैंने गिवर बनना है, मैंने टेकर नहीं बनना। हुजूर ने जब तबलीग का आगाज किया तो अरब पूरे अंधेरे में था, पूरी दुनिया में अंधेरा था, लेकिन अरब कुछ ज्यादा गहराई में डूबे हुए थे। और उस मुआशरे का देखें कि उस मुआशरे में बाप बेटी का बाप नहीं था बल्कि बेटी का कातिल था। अब ऐसे मुआशरे में रोशनी फैलाना, ईमान की रोशनी फैलाना कितना मुश्किल था, लेकिन मैं फलसफा इस्लाम का पेश कर रहा हूँ कि हुजूर ने कहा कि देखो कि जब किसी को बुरा कह रहे हो तो बुराई फैलती कैसे है। बुराई फैलने की वजह यह है कि हर इंसान की जबिलत में ये शामिल है, फितरत में ये शामिल है, बच्चे की फितरत में भी है ये ले लेने का जज्बा। जब तक लेने वाले ज्यादा होंगे और देने वाले कम होंगे, दुनिया से बुराई खत्म नहीं होगी। हक समझ के लेगा तो हक समझ के लेगा, हक से नहीं मिलेगा तो झूठ का साथी बन जाएगा, हत्ता के कत्ल करके जो है वो अपना मकसद हासिल करने में लेने के लिए।
اب یہ برائی کیسے ختم ہوگی؟ لینے کے جذبہ کو دینے کے جذبہ سے بدل دو. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, آپ بازار میں گئے, آپ نے اپنے بچے کو غبارہ لے کے دیا اور یہ بھول گئے کہ اس کی بہن بھی گھر میں موجود ہے. گھر میں آ کے بچے نے غبارے سے کھیلنا شروع کر دیا اور بہن نے رونا شروع کر دیا, تو آپ نے پیار سے کہا کہ بیٹا اس کو بھی دے دو, وہ نہیں دے گا. لیکن ساتھ ہی اگر آپ نے یہ کہا کہ میں ابھی تمہیں 6 رنگوں والا غبارہ جو 10 فٹ اونچا اٹھے گا وہ لے کے دوں گا, یہ بہن کو دے دو, تو وہ انفیریئر کو چھوڑ کے ایکسپیریئر لینے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو حضور نے کہا کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے, ایک آخرت کی زندگی ہے. اگر ہم کیا پیاسے کو پانی پلا رہے ہیں تو کیوں پلا رہے ہیں؟ کہ وہاں حوض کوثر ملے گا. یہی میں تو کسی نے جنت دیکھی ہے آج تک؟ نہیں دیکھی نا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن کہا کس نے ہے؟ اس نبی نے کہا ہے جس نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے یہ اسٹیبلش کرا لیا کہ یہ صادق بھی ہے اور یہ امین بھی. دوسرا حضور نے یہ کہا کہ برائی سے نفرت کرنی ہے لیکن برے کو سینے سے لگانا ہے. اگر برے کو سینے سے نہیں لگاؤ گے تو برائی ختم نہیں ہوگی. آپ مکہ میں تھے, روز گزرتے ہیں تو وہ آپ کے سر پہ کوڑا پھینک رہی ہے, تو کیا حضور کو تیسرے دن راستہ نہیں بدل لینا چاہیے تھا؟ لیکن راستہ نہیں بدلا کہ میں تو آخری نبی ہوں, برائی سے تو نفرت کرنی ہے لیکن اس سے برے پھیر سے نفرت نہیں کر رہے. لیکن جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہا بیمار ہے, تو بیمارداری کے لیے لے کے گئے, نقل باب کیا تو کہا کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد آیا ہوں. تو اٹھ کے بیٹھ گئی کہ کیا مجھ سے بدلہ لینے آئے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں تو رحمت العالمین ہوں, مجھے تو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا ہے, میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں. تو اٹھ کے بیٹھ گئی اور کلمہ پڑھ لیا. تو لینے کا, لینے والا ہاتھ, آپ کسی کو گائیڈ کر دیں آپ اس کی اپلفٹنگ کر رہے ہیں, کسی کو سپورٹ کر دیں اس کی. تو یہ اس طریقے سے یہ قافلے بنیں گے. میں اس دن کل بھی بات کر رہا تھا چیمبر آف کامرس میں کہ امیر ملک امیر کیسے بنتے ہیں اور غریب انڈیویجول غریب کیسے رہ جاتا ہے. جو قومیں بطور ایک قوم اپنا ایٹیٹیوڈ چینج نہیں کرتی وہ ہمیشہ غریب رہتی ہیں, اور جو انڈیویجول اپنا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ نیگیٹو نہیں چینج کرتا وہ ہمیشہ. آئی ایم اے سرٹیفائیڈ پروفیشنل کوچ. آئی آفر سیگمنٹ آف سوسائٹی کا آج کا کوئی کرنٹ ایشو ہے, میرا موبائل نمبر نوٹ کر لیں, میں حاضر ہوں فری. ٹھیک ہے, فری کوچنگ زندگی کے ہر سیگمنٹ میں میں کرنے کے لیے تیار ہوں. 3 مہینے کے بعد سر ہم جب کوچنگ کریں گے اس میں سے 15% ہم نے چیریٹی کے لیے دینا ہے, اگر بیواؤں کے لیے دینا ہے, مسکینوں کے لیے دینا ہے, ایجوکیشن کے لیے دینا ہے. تو سر ایک ایسا کریں نا کہ آپ مہینے میں ایک جگہ باندھ لیں اور ٹائم باندھ لیں, آپ وہاں 2 گھنٹے کے لیے آ جائیں. نہیں سر, کسی کا اگر روز کا ہی ہے, میں روز نہ آئے نا انسان انسٹنٹ. اگر اس میں کئی دفعہ مجھے فون ابھی آ جائے کہ میرے اسلام آباد میں, اس وقت میں اسلام آباد میں ہوں, میں نے کہا کیا ٹائم سوٹ کرے گا جی 8 بجے, اب 8 بجے میں بیٹھ گیا. وہ آپ ضرور دیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اور یہاں پہ جتنے بھی جیسے آپ اچھے پیسے بناتے ہیں تو میٹ اپس اسی طرح سے کمیونٹی کلچر کریٹ ہوتا ہے. اس میں سر یہ ہے کہ ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا ممکن ہے, میں نے صرف 11 قسم کے سوال کرنے ہیں, میرے پاس کوئی اور جادو کی چھڑی نہیں ہے. نہیں, آپ اپنی جگہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں جی سر کہ اگر ہم لوگ دیکھیں صرف بلڈ کمیونٹی بلڈ کرنے کے لیے اگر آپ ایک ٹائم اور جگہ طے کر لیں کہ جی اس دن یعنی کہ ہر لاسٹ سیٹرڈے کو 6 بجے سے 8 بجے تک میں اس چائے خانے میں بیٹھا ہوتا ہوں, اپنی کتاب لے کے چائے پی رہا ہوتا ہوں. جس نے آنا ہے گپ لگانے آ جاؤ, جس نے نہیں آنا وہ نہ ہو. گڈ سجیشن. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بھی کریں, کاپ بھی کریں, آدھی بھی کریں, جو آپ کو آتا ہے. ایک آدمی نیا ہے لاہور, اس کو دوست چاہیے, چلو جی دوست بنا لیتے ہیں. بس 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں جگہ دیں, فیس بک پہ اسٹیٹس لگائیں, میں تو اتنے بجے, اب میں نے ایسے کہا نا میں آیا تھا, چائے اپنی بھی نہیں آیا تھا, حالانکہ میرے 3500 فرینڈ ہیں, لیکن میں نے وہ میسج آپ کا دیکھا. جی جی, تو آج میں مجھے نہیں پتا تھا کہ مودی ابھی آ رہی ہے, تو آئی ایم ویری گریٹفل. اینڈ دیکھیں نیشن قومی اسمبلی پاکستان میں ہم جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ جس طریقے سے ایک انقلاب آئے گا, اور ماشاءاللہ ایک دوسرے کو لے کے چلیں. کسی کے گھر میں اگر چولہا جل جائے تو اس سے بڑا آپ کے لیے کیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. السلام علیکم, آئی ایم محمد عزیر اوان, اینڈ ان دا ایج آف 7
I broke the record of a frog cream in Microsoft Software Technology Specialist. And in the age of 8, I made my own record in IT Security Certified Professional. I break all over the world, and in 150 countries, around about 12 million students. I was the first Pakistani and the youngest student who passed this exam. And these days, working on different projects, my passion is to work in artificial intelligence field, and I have made my own different projects. Remote control car, robotic car, and these days different projects are included. Thank you. So you want to make it? अब जी मेरे जैसे जाहिलों के लिए कर दो, उर्दू में भी कर दो ये बात। उर्दू में बताओ सब। 7 साल की उम्र में मैंने अल्फा क्रीम का मेरा नाम शुरू से हां ना आई एम मोहम्मद मेरा नाम मोहम्मद जायरवान है और इन द एज ऑफ 7 मैंने अल्फा क्रीम का रिकॉर्ड ब्रेक किया इन द एज ऑफ 8 मैंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया आईसीडीएल की फील्ड में इंटरनेट आईटी सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल एंड आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी एंड द यंगेस्ट स्टूडेंट in 150 countries and 12 million students. Aajkal different projects mein kaam kar raha hu aur different projects work bana bhi chuka hu laser security barrier jo aap movies mein dekhte bhi hain wo bhi and automatic remote control car ultrasonic sensor ke sath jo car hoti hai obstacle avoidance tum ye batao ab ke tum artificial intelligence based ka prime minister kab banaoge इरादा है एक मेरा दोस्त है उसकी किताब है ऑगमेंटेड अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़ें जिनको फ्यूचर का समझने का शौक है और फ्यूचर समझना इसलिए ज़रूरी है याद रखें कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो फ्यूचर के लिए पढ़ रहे हैं ना कि आगे जाके काम आएगा लेकिन अगर आगे जाके आज से 15 साल बाद ड्राइवर की तनख्वाह क्या होगी यही होगी 24 जीरो ड्राइवर नहीं तो आप अगर हम ड्राइवर की ट्रेनिंग कराना शुरू कर दें इंस्टीट्यूट बना दें तो क्या होगा पैसे ज़ाया हो जाएंगे तो इसलिए ज़रूरी है कि बेसिस समझें कि फ्यूचर में क्या होगा तो उसकी किताब का नाम है ऑगमेंटेड और उसमें उसने समझाया है कि 75% जितनी गवर्नमेंट्स है वो एआई बेस्ड हो जाएंगे तो जब अगर गवर्नमेंट बेस्ड होनी है एआई बेस्ड क्योंकि डेटा एआई के पास ज़्यादा होता है ना तो आपको इस पर काम करना चाहिए कि हमारे मुल्क से करप्शन ख़त्म करने का आसान तरीका यही है कि इंसानों को ख़त्म कर दें बीच जहाँ इंसान आता है वहाँ गड़बड़ करता है उसको कहें यार ये पराठा है ये चाय है आप सारा दिन ये खाएं हमें काम आप करना है बस एआई को करना है हम बहुत सही है जज़ाक आप कर रहे हैं इसमें वेरी गुड ये आप अपना तारुफ भी कराएं यार और आखिरी खड़े होकर कराएं ताकि लोग आपसे कनेक्ट हों आप शर्मीले आते हैं हर एक के सामने आते नहीं मैं तो बहुत लोगों को ऐड भी नहीं करता हाँ मुझे मालूम है किसी को भी नहीं करता इसीलिए तो करवा रहा हूँ ज़रा खड़े होकर शक्ल दिखा देना एहसन खवाड़िया इज़ माई नेम और मैं सोशल मीडिया गवर्नमेंट का देखता हूँ पी एम एल एन का और रेहान भाई इज़ वेरी गुड फ्रेंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन तो बस किसी भी किस्म की हेल्प जो है वो आप लोग को गवर्नमेंट से रिलेटेड जैसे एजुकेशन से रिलेटेड पंजाब गवर्नमेंट का एक है इनका पीफ के नाम से पंजाब एजुकेशन एंडाउमेंट फ़ंड वो काफ़ी एक्टिव है उसका फेसबुक के ऊपर पेज है वो सारे आप लाइक करें पेज और तो आप तो किसी को ऐड भी नहीं करते फिर कैसे कोई आप इसीलिए देखिए सेल्फी खिंचवाने का मैं बोलता हूँ जब आप सेल्फी खिंचाते हैं ना किसी के साथ तो वो ऐड कर लेता है याद रखें कभी भी कोई गोरा गोरी मिलेगा ना आपको ऐड नहीं करेगा तुम कौन हो आप सेल्फी खिंचा के ऐड कर लेगा अननोन बंदे को थोड़ा सा ऐड करना इशू इसलिए बनता है क्योंकि वो एक हमारा थोड़ा सा इंटेलिजेंस की वजह से क्लियरेंस नहीं मिलता ये इशू आता है बाद में कहीं अंदर हो गया तो मसला हो जाएगा बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भी इनबॉक्स मुझे करें तो मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो फेसबुक पे क्यों नहीं है फेसबुक पे क्यों नहीं है क्योंकि उनके जो है वो ऑफिशियल पेजेस हैं हमारे पीएमएलएन के नाम से नहीं है प्राइम मिनिस्टर का और सीएम का है हमारे शहबाज शरीफ के नाम से ऑफिशियल पेज है अवॉइड कर रहे हैं पॉलिटिशियन हो गए सही समझ रहे हैं ये सियासी बात है और सियासी गुफ्तगु इस टाइम में अगेन मेरी आप सबसे गुजारिश है देखें यहाँ पे 50 लोग हैं ये 50 लोग डायरेक्टली कम से कम 2-3 मिलियन लोगों तक रीच है आप लोगों अगर आप समझते हैं कि कोई चीज़ ख़राब है तो प्लीज़ अपना मोबाइल निकाल के उस पर वीडियो लगा के बताएं तो सही यार
अगर आपको किसी कुछ भी आता है दुनिया में, वो आप अपना वीडियो लाइव पे जाएं और सिखाएं। आप अगर जैकेटें बेच रही हैं, आप अगर आप जिस तरह लोगों को बताती हैं इस तरह वीडियो पे बताएंगी और अपने अपने शो शुरू करें, एक टाइम तय करें, उसके ऊपर वीकली शो शुरू करें, चाहे ऑन एनीथिंग यू लव। अगर इसको शौक है प्रोग्रामिंग का तो प्रोग्रामिंग का करें, लोगों के सवाल जवाब करें। ये जो चीज़ है ना, इसका कोई प्राइस नहीं होता। ये चीज़ हमें चाहिए होती है, क्योंकि हम लेक्चर तो यूट्यूब पे सुन सकते हैं, लेकिन टीवी पे लाइव अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब आ जाएं, तो क्या होगा? हम उनसे कहेंगे अच्छा कोई काम की बात बता, या सारा कुछ तो बड़ा है यूट्यूब पे नहीं, लेकिन फिर उसके साथ जो पर्सनल कनेक्शन चाहिए होता है ना, वो हमारे लोगों को अभी तक आदत है कि जी नहीं, फिजिकली आएँ, खाना खाएँ, हमारे साथ टाइम गुजारें। एक फंसा हुआ है दिमाग में ना, पोनी कहते हैं उसको, निकलेगा तो जब निकलेगा, जब तक नहीं निकलता, आप लोग प्लीज़ अपनी ऑडियंस बढ़ाएं, अगर स्पेशली छोटी जगह के लोग, क्योंकि जैसे मैंने सारी ज़िंदगी जो है चीचा वदनी का नाम सुना, मैं खास तौर पे चीचा वदनी क्या चाय पीने, यार मैं हर रोज़ चीचा वदनी का नाम लेता हूँ, मुझे पता ही नहीं है कहाँ। फिर मैं मंडी वो भाई फेरू गया, भाई भाई फेरू यार क्या नाम है, भाई फेरू जाके चाय पीनी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि जी मैं वहाँ कभी गया ही नहीं। तो आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग हीरे हैं, कोहिनूर हीरे से भी ज़्यादा आपकी प्राइस है, अपने आप को एक्सपोज करें, अपने मुल्क को एक्सपोज करें, बताएं कि आपका मुल्क क्या है, अपनी ज़बान में भी बताएं और अंग्रेज़ की ज़बान में भी बताएं, उसकी टांग तोड़ें, बेशक अंग्रेज़ से बदला लेना है ना, अंग्रेज़ी बोल लें नो प्रॉब्लम, यार खराब बोलेंगे तो क्या होएगा, वो तो आपकी ज़बान ख़राब भी नहीं बोल सकता, तो आपको उसकी ज़बान में समझाना पड़ेगा। और आप ख़ास तौर पर यार आप हीरो आदमी हैं, थैंक यू फॉर कमिंग। मैं आपको फिर भी नहीं पहचाना था, तो अब आपने तारुफ करा दिया, अगली बिल्डिंग आपकी होने वाली है अल्फा के बाद है इंशाल्लाह ताला। आप जैसे बहुत हैं, और अल्लाह मियां आपके वालदैन को सलाम करके लाएँ, अबू साथ कौन से वाले हैं? अच्छा माशाल्लाह, कैसे हैं आप? ये तो कमाल तो इनका है ना, तुमने क्या कमाल सर? कमाल ये बात आपकी ठीक है कि इसमें मेरा कुछ कमाल है, लेकिन ये शोहरत ये इज्जत इस बच्चे की किस्मत में थी, हमें अल्लाह ताला का ये शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये बच्चा हमें और हमें वो गाइडलाइन दी कि हम इसको अपनी तरह ना बनाए, जैसे पेरेंट्स करते हैं इंजीनियर बने का। आप भाई मेरा अपना बिजनेस है, वैसे मेरा पैशन था आईटी 97 में, अपने तरह ही बनाया ना। नहीं सर, अभी मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। 97 में कैजम यूनिवर्सिटी में एमसीएस में एडमिशन हुआ, फादर से परमिशन नहीं मिला आउट ऑफ सिटी जाने का। एमबीए किया, वही पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री ली, एक साल जॉब की, मज़ा नहीं आया, बिजनेस किया अपना, लेकिन वो अपने पैशन को कंटिन्यू रखा। मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला ने उस चीज़ को डाइवर्ट किया, बाई बर्थ मेरे बेटे में इनहेरिट किया, इसने देखा कि पीपल पार्टी की गवर्नमेंट में लाइट गायब 8-8 घंटे, पापा जब लाइट आती भाग के कंप्यूटर की तरफ जाते हैं, यार इसी में कुछ है, इसने उसको टच किया। मैंने ये नहीं किया वो बच्चे ये क्या कर रहा है, मैंने बच्चा इसे फ्री हैंड है। मेरी मिसेज ने टोटल वो एक रवायती स्टाइल में बच्चे खराब हो जाते हैं, ये डायलॉग मेरा बेटा अक्सर यूनिवर्सिटीज में फोरम्स पे बात करता है कि मेरी मम्मा ने इस बात पे फोकस रखा बच्चे खराब हो जाते हैं, पापा ने कहा जितना खराब होना होने दो, क्यों ये एक अकेडमी से ज्वाइन किया, एक अच्छे टीचर मिल, उन्होंने कहा बच्चे को शौक है इसे पुश करना चाहिए, ये अपनी लेवल में कम और बीसीएस की गर्ल्स स्टूडेंट्स क्लास में ज्यादा पाया जाता था। तो मेरी मिसेज कहती थी और कितना खराब करना, मैंने कहा होने तो जितना खराब होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये फास्ट यूनिवर्सिटी का ऑनरेरी स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मुझे प्राउड फील होता है। आज इसने मेरे ख्याल सुबह आपको पहले एक मैसेज किया है कि एनी मीटअप प्लान, बाद में इसे रिप्लाई किया, इसने मुझसे फिक्स किया बाबा 5 बजे आपने मेरे साथ जाना है। मैंने कहा जी कहाँ जाना है? जोहर टाउन, हम 30 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपके पास आए हैं। तो इसको यानी कि एक था क्रेज, और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी होंगे, कुछ बनेंगे इंशाल्लाह आइंदा चंद सालों में, तो इस चीज़ को फोकस करें कि हमने अपने बच्चों को सपोर्ट करना है, उनमें इम्पोज नहीं करना। अब आप बीजिंग शो कब शुरू करा रहे हैं सर? वैसे ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी में नहीं, वो तो जाते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, इस मुल्क में 200 मिलियन लोग रहते हैं उर्दू बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बराबर वाले मुल्क में बहुत सारे लोग रहते हैं, मिलियन लोग रहते हैं जो एक ही जबान समझते हैं समझते हैं। तो भाई अगर इन जैसे एक तो एक्सपोर्ट हो जाएगा,
सौ दो सौ बना देंगे तो एक्सपोर्ट होंगे भी, कुछ ना कुछ आम लोकल खाने को मिल ही जाएगा। सही है, लेकिन थोड़े से आम होंगे तो सब चले। एक्चुअली सर कुछ अपनी भी मसरूफियत रहती है, मैं इसके लिए बहुत कम टाइम निकाल पाता हूं। तो आप इसको कहें भाई ये कैमरा है, ये टाइम है, ये स्केड्यूल है, मेरा साथ दें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये दैट्स अ वेरी आप तय कर दें, क्योंकि अगर इसको देखेंगे नहीं, जैसे वो बनीर वाले बच्चे ने कहा ना, ये वालदैन का प्रॉब्लम है, हमारे जो गड़बड़ है ना वालदैन से शुरू होती है। और ये इनके स्कूल को मैंने क्यों अच्छा कहा कि वालदैन का कोई लेना देना ही कुछ नहीं वहाँ पे, वो कहते हैं भाई जा यार। इस चीज से 50% इस चीज को कवर किया, लेकिन आपने ये बड़ी अच्छी सजेशन दी है, बिल्कुल इसे कवर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी वजह से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की वीडियोस हैं, वो सब है इंस्पायर करने के लिए। इसका टीवी पे अगर फर्ज करें, जियो टीवी आपको कहे जी आप 7 बजे जुम्मे वाले दिन इस बच्चे को हम इसका शो करेंगे, आप क्या कहेंगे? टाइम निकालेंगे ना? तो यार फेसबुक ने क्या गलती की भाई, जियो पे आने से पहले फेसबुक पे तो लाइव कर दे हर हफ्ते प्लीज। ये मैं आप सबको बता रहा हूँ, आपको जियो पे अगर आना है तो आपको जियो टाइम देगा। कवर कर चुके हैं, नहीं वीकली शो अगर इसका आ गया तो इस जैसे कितने बने, ऐसे ये बताएं अगर हम इसका शो करा दें। बिल्कुल, मैं खुद चाहता हूं कि ये वैसे तो ये अपनी यूनिवर्सिटी पे, वो यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर देता है आईटी सिक्योरिटी के वाले से, और अपनी अकेडमी में भी बच्चों को कंप्यूटर सेशन करवाता है, तो अगर ये इस तरह से करेगा और कुछ और हुज़ैर बनेंगे, कुछ नहीं चाहिए बहुत सारे चाहिए, अगर इससे कुछ और बनते हैं तो यानी बड़ा सोच, बड़ा सोच, वो हमारे लिए बड़े प्राउड की बात होगी कि हुज़ैर की वजह से कुछ और लोग मार्केट में आए। कुछ नहीं ठीक हो गए ढेर सारे, लेकिन सर उसके लिए जो सबसे पहली बात है ना, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये खराब हो गया। हम उसको फेस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्टेप लेना चाहते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं ना, ये सब वो हैं जो स्टेप लेने के लिए यहाँ पे आए, तो हम उन्हीं को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हम एफबी पे इसको प्लान करते हैं, लेकिन वो हैप्हैज़र्ड है, ये वीकली बेसिस और रूटीनली बेसिस पे नहीं। मैं इसका चाचू हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, तो इसलिए इंशाल्लाह खानदानी आप लोग गिनिए ना सर, ये सब अल्लाह ताला का करम है। अच्छा देखें एक चीज याद रखिए कि कभी भी एक चक्कर में नहीं पड़ना, खासतौर पे आपके लिए भी, के दूसरे क्या कहते हैं, ये दूसरों के चक्कर में, इसने भी थ्री इडियट को मेंशन किया, मेरी एक फिल्म है, मैं गधे पे बैठा हूँ और उसके ऊपर बैठ के जो है मैंने फिल्म बनाई, लतीफ़ा बनाया, अब क्या होगा, जिसने मुझे कुछ कहना है क्या कहेगा, यार इसकी तो पास ही ना जाए तो पागल। तो रास्ता मेरे लिए खुला है, मैं अदर जो मर्जी करूँ कोई कुछ नहीं कहता। वैसे यार मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, हम दोनों बाप बेटा को भी हमारे जो कहने एक सर्कल है ना उसमें हम दोनों को मेंटल कहा जाता है, वो कहते हैं कि यार ये पागल इंसान है और इसका बेटा भी इसके जैसा हो गया है, अल्लाह एक जैसे पागल बाहर घर में पैदा। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटों को कहा कि बेटो दुनिया बातें हमेशा करेगी, हर हाल में करेगी, तुमने जो भी काम करना है ये देखने का क्या अल्लाह की रज़ा इसमें शामिल है, अगर अल्लाह की रज़ा शामिल होगी तो दुनिया की परहेज ना करना। अपने बेटे को साथ लिया, एक गधा लिया और बाहर आ गए, बाहर आने के बाद गधे पे खुद सवार हो गए और बच्चा छोटा था वो साथ साथ आ रहा है, थोड़ी देर गए तो एक ग्रोह मिला, उसने कहा देखो भाई खुद गधे पे सवार है और ये छोटा बच्चा इसके साथ आ रहा है, तो आपने कहा बेटा बातें सुनी इनकी, आगे जाके आपने अपने बेटे को गधे पे सवार कर दिया और खुद पैदल हो गए। फिर एक ग्रोह आया कि देखो बाप ने ना बेटे की तरबियत की है ना बेटे में कोई तमीज़ है, खुद गधे में बैठा हुआ है, बाप पैदल साथ चल रहा है, आपने कहा बेटा देखो। उसके बाद दोनों गधे पे बैठ गए और फिर एक ग्रोह आया, देखो जालिम लोग ये इनको रहम नहीं आ रहा कि इस कमजोर से गधे के ऊपर इतना वजन डाला हुआ है, तो आपने कहा बेटा इनकी बातें सुनी, फिर दोनों गधे को छोड़ दिया और गधे को साथ ले लेके पैदल चलने शुरू हो गए, फिर एक ग्रोह आया कि इनकी अकल देखो सवारी साथ है और पैदल चल रहे। तो बेटा दुनिया कुछ नहीं कहती, कोई इसकी खराबी का सबूत है? छोटी सी मोटिवेशन देना चाहूंगा, अकुलस रिफ्ट का जो फाउंडर है वो इतनी, अकुलस रिफ्ट जो फेसबुक का आजकल बड़ा चल रहा है 3D का जो निकाली उन्होंने वर्चुअल रियलिटी की, वो छोटा सा इतनी एज से वो बंदा अपना प्रोजेक्ट बना रहा था, वो करते 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 $1 billion का उसका वो गया, उसका स्टार्टअप बाय किया मार्क जुकरबर्ग ने, और वो 22 या 23 ईयर्स ऑफ एज का, वो 10 साल से स्टार्टअप को परस्यू कर रहा था और इतनी एज से ही कर रहा था। तो अब इसको ये करना चाहिए कि आगे से कोई आउटलायर्स की मिसाल है ना कि वो 10,000 घंटे आगे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
so he is in that similar range. लेकिन ये एक्सपोर्ट हो जाएगा अगर एक होगा मैं आपको गारंटी कर दूँ बिल्कुल एक्सपोर्ट हुआ तो अभी नजर आ रहा है तो ऐसा ना होने दें और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ अगर आपने जियो टीवी पे आपके आप सबके नज़दीक कोई ना कोई एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगा आपके नज़दीक मज़हब होगा आपके नज़दीक सेकुलरिज्म होगा आपके नज़दीक किसी के जो भी जिसके नज़दीक जो है किसी हर के है ना आपके नज़दीक खाना होगा है ना लंच वाली किधर लंच वाले आए हैं जी इस्लामाबाद से बड़े दूर से आए तो आप सबको अगर हम आधा घंटा जियो टीवी पे वीकली दें तो आप शो करेंगे करेंगे ना उसकी तैयारी करने के लिए आप एक आधा घंटा पाबंदी के साथ एक दिन इस पे शुरू कर दें कि जियो पे आ जाके बोलेंगे क्या जियो वाले देख जियो वाले को तड़प रहा है अच्छे कंटेंट के लिए लेकिन आप कंटेंट क्रिएट करके दिखाएं उसको ये कि भाई हम इसको उठाना है जैसे वो लड़का आजकल उठा के ले गए हैं उसको जो आवाज़ें निकालता है क्या नाम है हाँ हाँ तो अब वो अब जब आप हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सपोज हो सकते पहले हम एक्सपोज ही नहीं हो सकते थे हमें पता ही नहीं था तो आप अगर पढ़ाना चाहती हैं तो आप एजुकेशन पे एक शो शुरू करें आप अगर लड़कियों के लिए काम करना चाहती हैं आप उसके ऊपर शो शुरू करें इतनी गैदरिंग आ जाएगी ऑडियंस आ जाएगी ना एक स्टेटस पे सारे लोग आ रहे हैं किसने मना किया भाई इनकी पढ़ाई करा फैमिली सबको फेसबुक पे हमारे साथ कनेक्ट करा दे हम सजदा कर लेंगे अच्छा वो साबिर आरिफ की जो हमने वीडियो बनाई थी न्यूयॉर्क में उसके बाद उसकी जिंदगी जो चेंज हुई थ्रू आउट यूरोप में उसका टूर मिल रहा है हार्वर्ड में उसे बुलाया जा रहा है स्टैनफोर्ड में जा रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में उसकी केस स्टडी बताई जा रही है एनसीए ने उसके ऊपर यहाँ पे फिल्म बनाई है ट्रिब्यून ने उसके ऊपर फिल्म बनाई है यहाँ पे सो पीपल आर वॉचिंग उसकी जिंदगी एक वीडियो दो हाँ नहीं पहली बार दूसरी पहली बार वायरल हो गई थी हाँ दूसरी वाली उसकी जिंदगी बदल गई तो एक वीडियो चाहे वो एक तस्वीर हो चाय वाले की तो इट बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट वो एक नहीं थी वो उसके ऊपर इतने फिल्में बनाई उसकी प्रैक्टिस थी वो न्यूयॉर्क पहुंचा कचरे से पढ़ पढ़ के मेहनत थी तो वो रिजल्ट हमें 10 साल का हम कहते हैं जी वर्क हार्ड फॉर 10 इयर्स एंड यू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस 10 साल लगाएंगे तो ओवरनाइट सक्सेस रहेगा ना तो आप सब हाँ आप सब लोग इसको हम डिस्पर्स कर रहे हैं ताकि आप लोग एक दूसरे से मिल सकें मैं खड़ा हो रहा हूँ अगेन एक दूल्हा उधर है एक दूल्हा ये भी हाँ इधर आ जाओ इसके साथ सबको सेल्फी लेनी है नहीं लेनी पक्की आवाज नहीं आई सेल्फी लेनी है तो इसके साथ एक एक सेल्फी होगी एक मेरे साथ हो जाएगी मैं अभी दूल्हा बनाऊ तो एक वो है एक और किधर गए शॉर्ट नहीं हुए ये आपकी फ्रेंडशिप लिमिट फुल हो चुकी है नहीं कोई बात नहीं फॉलो करेंगे फॉलोअर यानी कि हम आपको फॉलो करेंगे तो थैंक यू अगेन ऑल अब कोशिश यही करें कि एक दूसरे से मिलें मैं यहीं बैठा हूँ एक घंटे तक और तो जिसने और दिमाग खाना है आ जाए जो बोर हो रहे हैं वो चले जाए बट पहले फोटो खिंचा लें फिर चले जाए ठीक है अच्छा तो, बेटो मेरी एक यूट्यूब के ऊपर करेक्टर बिल्डिंग एथिक्स एंड वैल्यूज पर मेरी एक यूट्यूब के ऊपर आई है लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने डाली है